वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे हिंदी माध्यम के लिए अंतरवैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन के कंप्लीट वीडियो पे, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसैट पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम पॉइंट्स के माध्यम से सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इससे आपके पहले तो नोट्स तैयार हो गए, पॉइंट्स फॉर्मेट में फटाफट आपने सब रिवाइज कर लिया, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो जो आपका पॉइंट्स में छूटा वो आपका क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। तो बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि लास्ट ईयर भी हमने ऐसे बहुत बच्चों से सुना कि हमारा जीएस पेपर तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन हमारा सीसैट उतना अच्छा नहीं गया। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा सा एफर्ट दे लो, एंड मोमेंट पे ये वीडियो एक बार देख लेना, बस एक भी सवाल आपका इंटरपर्सनल स्किल्स वाले सेक्शन का नहीं छूटेगा। तो उससे क्या है, अगर किसी का थोड़ा सा मैथ्स वीक है, थोड़ा सी इंग्लिश वीक है, थोड़ी सी हिंदी वाला पार्ट वीक है, तो आप इससे अपना कवर अप कर लोगे, कुछ वहां सही कर लो कुछ यहां सही कर लो, तो मिक्स करके आपका सीसैट क्रॉस हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, अपना फीडबैक हमें जरूर कमेंट डाउन करके बताना है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों चरणों की तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड ग्रुप, जिसमें आपको सफिशियंट मटेरियल जितना आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, पढ़ना सिर्फ वही है जो आपको पेड ग्रुप में दिया जाए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पेड ग्रुप स्टार्टेड हैं जिसमें आपको पेड क्विज, आपकी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, हिंदी का मटेरियल, सब कुछ रिटन मटेरियल, जीएस के सभी सब्जेक्ट्स का मटेरियल, सब कुछ एक जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी एग्जाम टाइम नजदीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से हंसते हुए शांत दिमाग के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन के वीडियो की, जो कि हिंदी माध्यम का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतरवैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित, सीसैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरैक्शन, व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगमता से करने की क्षमता या कौशल क्या कहलाता है? सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। और इस प्रकार के संप्रेषण में हम दोनों प्रकार के संप्रेषण सम्मिलित करते हैं, वर्बल शाब्दिक एवं अशाब्दिक अथवा संकेतात्मक इंडिकेटिव, जो कि नॉन वर्बल कैटेगरी में आएगा। हम बात करें अगर एम्पथी की, समानुभूति, देखिए सहानुभूति क्या हुई सिंपथी और समानुभूति क्या हुई एम्पथी, इसका अर्थ है दूसरे की भावनाओं या अनुभूतियों को समझना और उन्हें महसूस करने की क्षमता रखना। इसमें व्यक्ति दूसरों के कष्टों या दुखों पर भी अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना या प्रेषित करना आवश्यक नहीं होता है, इसमें भावनाओं का संप्रेषण नहीं होता। तो ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट हो गई, सवाल ऐसे आएंगे, अभी हम सारे सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आराम से बैठ के इसको देख लो, सुन लो और उसके बाद सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जबकि सहानुभूति में क्या होता है, सिंपथी जब आप किसी के लिए दिखाते हो उसमें दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ते हुए अपनी भी भावनाएं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती है। आप किसी को सिंपथी दिखा रहे हो, किसी के लिए आपको बुरा फील हो रहा है, तो उसमें जो आपकी फीलिंग्स हैं वो भी आप उस तक पहुंचा रहे हो। लेकिन एम्पथी में क्या कर रहे हो आप, हाँ आपको अंदर से लग रहा है कि आप उसकी भावनाएं उसकी फीलिंग्स समझ रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरे के कष्ट या फिर दुखों पे आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित या प्रेषित करना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। यही फर्क है एम्पथी और सिंपथी, समानुभूति और सहानुभूति में। अंतरवैयक्तिक संबंधों में विश्वास बनने में अधिक समय लगता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को आप जांचते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स। ऐसा नहीं है आप मिले, हाय हेलो हुआ और बस आप सब कुछ जान गए, वो आपके अंतरवैयक्तिक संबंध बन गए, नहीं। अंतरवैयक्तिक संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक ऐसा सहचर्य होता है जो क्षणिक या स्थायी हो सकता है। अंतरवैयक्तिक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होते हैं। अंतरवैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में लोक जीवन के व्यवहारिक कौशलों के साथ साथ मृदु कौशल, मतलब भाषा की मृदुता,
सॉफ्टनेस ऑफ लैंग्वेज, इसका भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परिदेशियों में व्यक्ति अपनी भावनाएं, प्रेरणाओं तथा कार्यकलापों को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। लाइफ ऐसी ही तो चलती है, आप किसी से रिलेट कर जाते हो बहुत अच्छे से, किसी की सिचुएशन, किसी की फीलिंग्स, किसी का सोशल बैकग्राउंड, किसी का कल्चरल बैकग्राउंड आपको बहुत ज्यादा रिलेट करता है कि अच्छा ऐसा तो हम भी हैं, अंदर ही अंदर लगता है ना इंसान को कई बार। और इस प्रयास में वह जीवन में समस्त व्यवहारिक तकाजों का उपयोग करता है, जबकि अंतर्वैयक्तिक संबंध को व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इट इज कंप्लीटली पर्सनल, नाम में ही इंटरपर्सनल है, ठीक है। तो अगर लिखा आए कि संगठनात्मक कौशल का प्रयोग किया जाता है तो ये लाइन गलत हो जाएगी, प्रयोग नहीं किया जाता है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन की स्थिति अनुमान लगाने की होती है, मतलब इन्फेरिंग की, आप किसी चीज से क्या इन्फर कर पा रहे हैं। जैसे मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बादल युक्त आंधी आने की 80% संभावना है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा भी हो सकती है, ठीक है। बात तो हुई थी आंधी आने की, लेकिन आप उससे इन्फ्रेंस क्या निकाल रहे हो कि भाई बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है आज, बात करते हैं ना मैं से। अनौपचारिक संचार उद्धर्व तथा पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है, अनौपचारिक संचार, ठीक है, इनफॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संचार का प्रयोग कर संगठन के उच्चाधिकारी अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान करने में समन्वय स्थापित करते हैं। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी अपनी योग्यता है। दिस इज योर ओन कैपेबिलिटी, योर ओन एबिलिटी, हमेशा याद रखिएगा, इट इज योर पर्सनल एबिलिटी। शर्मीलापन मतलब शाइनेस अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। लिखा आएगा इनमें से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संबंधों में समस्या उत्पन्न कर सकता है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुसंगत नहीं है। जो आपके कलीग्स हैं उन्होंने क्या किसी चीज का मतलब निकाला, क्या बोले वो, उस पे आपको डाउट है, संदेह है, तो ये जो है आपके अंतर्वैयक्तिक कौशल के साथ मेल नहीं खाता। संबंधों की संरचना अभिप्रेरणा से संबंधित है, आपको ये लाइन्स ऐसी याद करनी है, ऐसी सवाल आते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर रही हूं जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। अच्छा श्रोता बनने के लिए, अच्छा लिसनर, अ गुड लिसनर, धैर्य और पूरी तरह से ध्यान देना आवश्यक है। धैर्य और फोकस, पेशेंस प्लस फोकस। इसके अलावा एक प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्ष पर पहुंचना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना भी आवश्यक होता है। कंक्लूजन पे तो आएंगे ना आप, तभी तो आप एक प्रभावी श्रोता कहलाएंगे। एक सक्रिय श्रोता, एक्टिव लिसनर, द्वारा अपनी श्रवण क्षमता में सुधार के लिए वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करने, श्रवण हेतु तैयार होने, अवरोधकों को कम करने, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनका क्लैरिफिकेशन, और प्रश्न पूछने, निर्णय लेने से बचने आदि तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इनमें से कुछ भी लिखा आएगा आप मार्क कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। कोलाहल स्तर से ऊपर एक सुस्पष्ट संकेत ही संदेश है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र एथिक्स विचारने योग्य है, क्योंकि यह संबंधों को बढ़ावा देकर संरक्षित करने में सहायक होता है। एथिकल बिहेवियर हमेशा अच्छा माना जाता है। नीति शास्त्र संप्रेषण के दौरान विचारों व मूल्यों को समझने में सहायता करता है। प्रभावी श्रवण इफेक्टिव लिसनिंग में क्या शामिल है कि आप अपने द्वारा संदेश की समझ का पुष्टिकरण कहे हुए संदेश को सरल ढंग से व्यक्त करके किया जाए। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। आपकी क्लोज फ्रेंडशिप कैसे चल पाएगी जब किसी को जरूरत पड़ने पे आपकी जरूरत है और आप उसको जाके हेल्प कर रहे हैं, तो यह आपकी फ्रेंडशिप के लिए प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। रिपीटेड, ये जो रिपीट हो गया उसको हटा देंगे, ये रिपीट है। जब व्यक्ति अनुभव करता है कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है या उसके लिए विकल्पों को सीमित किया जा रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति को, उसके द्वारा प्रतिक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रतिघात की आपको डेफिनेशन यहां से मिल गई। अंतर्वैयक्तिक संचार का सरोकार कर्मचारियों के बीच के संबंधों से होता है, इसलिए इसे जन संबंधों के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तियों के पास भिन्न क्षेत्र पर प्राधिकार होता है, यह प्राधिकार समानता संबंध संपोषित होता है, यह संतुलन विभाजन प्रतिमान होता है।
वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन अनौपचारिक संचार ग्रेप वाइन कहलाता है। अनौपचारिक संचार कभी समाप्त नहीं होता और अगर हम इसे एक जगह दबाएंगे तो यह दूसरी जगह पैदा हो जाएगा। अगर हम इसका एक स्रोत से इसको काट दें तो दूसरे स्रोत पर चला जाएगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में सूचित करना या बताना यह एक अच्छी अनुशासन प्रणाली का सिद्धांत या अवयव नहीं है। आप बताएंगे नहीं। जीवन में खेलों का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे नियम पालन में सहायता मिलती है। स्पोर्ट्समैन जितने भी होंगे आप देखिएगा बहुत ही डिसिप्लिन्ड होंगे और बहुत ज्यादा रूल्स के नियम के पक्के होंगे। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के बच्चे देखे हैं मैंने जो प्रैक्टिस करने जाते हैं ग्राउंड पे एवरी सिंगल डे। प्रभावशाली शब्द व्यक्तिगत गुण का संकेतक है। इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली। मिंट्सबर्ग के अनुसार अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्तियों को उन व्यवहार से संबंधित होती हैं जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। ये भूमिकाएं व्यक्ति को शामिल करती हैं तथा इनमें औपचारिक एवं सांकेतिक कर्तव्य भी सम्मिलित होते हैं। साथ ही ये भूमिकाएं अधिकार मतलब अथॉरिटी और संस्थिति स्टेटस से प्रत्यक्षता उत्पन्न होती हैं। क्या आपकी अथॉरिटी है, कितनी आपके पास पावर है, क्या आपका स्टेटस है, उस हिसाब से ये वाली भूमिकाएं जो हैं ये उत्पन्न होंगी। नाम मात्र का अध्यक्ष मतलब कि फिगर हेड, नेता लीडर तथा संपर्क लाइजरिंग जिसको बोलते हैं। भूमिका 3 अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं हैं जबकि मालिक बॉस अंतर्व्यक्तिक भूमिका नहीं है। भाई बॉस जो है वो अंतर्व्यक्तिक भूमिका के अंडर नहीं आएगा। फिगर हेड आएगा, लीडर आएगा और लाइजरिंग आएगी, संपर्क आएगा। तदनुभूति परक श्रवण मतलब एम्फैटिक लिसनिंग की विशेषताओं में श्रोता द्वारा वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखकर वैसा ही अनुभव करना, वक्ता के मनोभावों को समझना, समझने के लिए उसके शब्दों के साथ उसकी देहभाषा का प्रेक्षण करना तथा संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, परंतु इसमें वक्ता की बातों का मूल्यांकन करना अथवा मूल्यांकन परक होना शामिल नहीं है। एम्फैटिक लिसनिंग में आप किसी चीज को जज नहीं करेंगे, आप समझेंगे और अच्छे ढंग से उसको क्या उसके अंदर से मनोभाव चल रहे हैं, कैसा वो अनुभव कर रहा है, ये सारी चीजें, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज पे आप अपना ध्यान डालेंगे लेकिन उनकी बातों का मूल्यांकन करना ये उसमें शामिल नहीं है। नीड फॉर इंक्लूजन सम्मिलित होने की आवश्यकता दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तभी तो आप इंक्लूड होना चाहते हैं, तभी तो मोदी जी भी तो कहते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ। यह दूसरों के द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत करने और सामाजिक समूह का सदस्य बनाने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। आप सिर्फ दूसरों के द्वारा स्वीकृत होंगे एक तो बात यह है और इसके साथ साथ दूसरों को भी तो आप एक्सेप्ट करेंगे। जनरली लोगों का बिहेवियर ये होता है कि वो तो चाहते हैं कि उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया जाए, उनको इंक्लूड किया जाए, लेकिन जब सेम बिहेवियर कोई आपके साथ कर दे तब आपको बुरा लग जाता है, तो वो चीज इसमें शामिल नहीं होती। इंक्लूजन में इंक्लूजन 2-वे लाइन है, इट इज नॉट अ 1-वे लाइन। वित्तीय व्यवस्था में प्रवीणता से आशय है एक अच्छे व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन से, ताकि वित्तीय व्यवस्था से दूसरे व्यय को प्रबंधन किया जा सके, चाहे वे परिवार से संबंधित हो या किसी दूसरे व्यय से। भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादन से हस्तांतरित होकर सेवानुकूलित हो गई है, मतलब प्रोडक्शन से हम सर्विसेज में चले गए हैं, तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने से प्रबंधन समानुक्रम असेंबली लाइन में वस्तु और सामान की अपेक्षा व्यक्तियों के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है, अतः भविष्य में व्यवहार का गुण इंटरपर्सनल स्किल कार्य क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरपर्सनल स्किल एक ऐसा टॉपिक है जो लाइफ की हर स्फीयर पे अप्लाई होता है, हर जगह, वेदर इट इज एनी, आप कुछ भी उठा के देख लो, आपका कल्चरल लाइफ है, आपकी सोशो इकोनॉमिक लाइफ है, आपकी सोशो कल्चरल लाइफ है, हर जगह इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंतर्व्यक्तिक संचार का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, कि श्रोता संदेश से पूर्णता सहमत हो या असहमत हो। भाई इंटरपर्सनल स्किल में हो सकता है आप मेरी बात माने या हो सकता है ना माने, पार्शली माने, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि श्रोता संदेश से ना तो सहमत हो और ना असहमत हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज नहीं है इस केस में। इंटरपर्सनल स्किल में मैं आपके साथ किसी चीज में इन्वॉल्व हूं, आपने मेरी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, तो या तो आप मेरी बात से सहमत हो या फिर असहमत हो, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि ना तो आप सहमत हो और ना ही असहमत हो, आइदर यू अग्री और यू डोंट। प्राधिकार शब्द का प्रयोग राज्य द्वारा दी गई शक्ति के अर्थ में
सरकार, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, इन सब के लिए होता है। इस शक्ति के अंतर्गत निर्धारण शक्ति, निर्णय देने की शक्ति, क्षेत्राधिकार शक्ति, नियंत्रित करने की शक्ति, कंट्रोल करने की, आदेश देने की, ऑर्डर पास करने की, सब कुछ प्राधिकार के अंडर ही आती है। ये किसी विषय पर अधिकार का भी सूचक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका क्या राइट है। किसी संगठन में अधिकार शक्ति का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग, निर्णयों को अधीनस्थों को सूचित करने की शक्ति, अधीनस्थ कौन हो गए, आपके सबॉर्डिनेट्स, तथा संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करने की शक्ति, आपको इन्फ्लुएंस कर पाए, आपके अंदर कन्विंसिंग एबिलिटी हो। और इसके अंतर्गत अधीनस्थों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि कोई भी संगठन कर्मचारियों के संगठन से बाहर के आचरण को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रखता। आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके आप क्या कर रहे हैं आपके पर्सनल स्फीयर में, ये बात आपको आपका कोई सीनियर नहीं बता सकता। मतलब ऑफिस के अधिकार से, वो आप कहेंगे वो हमारा फ्रेंड हो सकता है, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, तो वो चीज अलग बात है। लेकिन एक संगठन को अगर आप लेके चल रहे हैं, कि इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो इंस्टीट्यूशन से बाहर के स्फीयर में कोई आपको ये सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके ऊपर ऑर्डर भी देना है, उसमें इन्फ्लुएंशियल पावर्स भी हैं, ये बाहर नहीं लगा सकता आपके ऊपर, ठीक है। अब संगठन के संचार में कितने पहलू हैं, तीन पहलू हैं। एक तो है आंतरिक संचार, बाह्य संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। आंतरिक संचार क्या हो गया, ऊपर की ओर, नीचे की ओर और आर पार, जैसे अंतर संबंधित गतिविधियों का संग्रह जो संगठन के रैंक के अंदर जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। एक बाह्य संचार है, इसका नाता संगठन और जनता के बीच है। भाई एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपने में तो काम नहीं करना ना, उसका रिलेशन बाहर की लाइफ से भी तो है। और अंतर्वैयक्तिक संचार का सरोकार कर्मचारियों के बीच के संबंधों का है। तो ये तीनों ही बातें आपको रेडी ले लेती हूँ, आपका आंतरिक संचार, आपका बाह्य संचार और आपका अंतर्वैयक्तिक संचार, ये सारे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। अब किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से प्रभावपूर्ण संवाद के मद्देनजर जिन क्षमताओं की आवश्यकता होती है उसे अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल की संख्या दी जाती है। अब इसमें क्या क्या है, नेतृत्व, समस्या समाधान, संचार, श्रवण, ये सब कुछ आता है इसमें। इसमें सिर्फ बोलना बोलना नहीं आता, इसमें सुनना भी आता है, इसमें लीडरशिप भी आती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, इसमें डिसीजन मेकिंग भी आती है। किसी भी संगठन में संघर्ष समाधान हेतु नेता को सभी संबंधित व्यक्तियों के विचार, भावना, चिंता और भावनात्मक अवस्थाओं को समझना चाहिए और उनके दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए, उनके नजरिए से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ओपिनियन से। अतः ये आवश्यक है कि प्रभावी नेता में तदनुभूति नामक अंतर्वैयक्तिक कौशल हो। एम्फैटिक लिसनिंग, एम्फैटिक होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है। संचार संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। गिलेट संचार को किसी प्रशासनिक संगठन के रुधिर प्रभाव के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये नाम है, क्या बोलते हैं, जिन्होंने दिया ये कॉन्सेप्ट। तो संचार जो है ये रुधिर प्रभाव के रूप में देखा जाता है, जैसे ब्लड फ्लो करता है ना, जो संगठन के कार्य को सुगम बनाता है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है ना, उस तरीके से संचार इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जब अधीनस्थ योग्य, सक्षम एवं सक्रिय हो, तो टीम लीडर या दल के नेता को सहभागी प्रबंधन शैली का प्रयोग करना चाहिए। भाई आपकी टीम भी बहुत बढ़िया है जब। यह प्रबंधन शैली निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान में अधीनस्थों की भागीदारी बढ़ाने पर बल देती है। इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत दल के नेता द्वारा अधीनस्थ व्यक्तियों को कुछ भी प्राधिकार सौंपे जाते हैं। दल का नेता दल के सदस्यों के विचारों एवं सुझावों को सुनता है, उचित लगने पर उनके विचारों को प्रायोरिटी, प्राथमिकता भी देता है और इस प्रबंधन शैली के कारण अधीनस्थ उत्प्रेरित होते हैं और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा एफिशियंट होंगे। जबकि मंत्रात्मक नेतृत्व शैली के अंतर्गत दल का नेता अधीनस्थों के विचारों एवं सुझाव को सुनता है किंतु अंतिम निर्णय का अधिकार अपने पास रखता है। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये वो है। और दल के सदस्यों को कोई प्राधिकार नहीं दिया जाता। इस प्रकार परोपकारी नेतृत्व शैली भी यद्यपि अधीनस्थों के विचार एवं सुझावों को महत्व देती है, लेकिन निर्णय लेने का अंतिम अधिकार दल के नेता के पास ही होता है। तो लीडर विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। संघर्ष एक निर्माणात्मक बल हो सकता है यदि संघर्ष का प्रभावी प्रबंधन किया जाए। स्ट्रगल, आप जानते हैं स्ट्रगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल आपकी कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, याद रखिएगा ये चीज। जैसे भी कभी ये लगता हो कि हम सिलेक्शन में कितना टाइम हो गया हमें तैयारी करते हुए, नहीं हो रहा है, उदासी आए, निराशा आए, तो हमेशा याद रखिएगा आप, स्ट्रगल से बाहर निकल के ही वो रास्ता है, वो मंजिल है जिस पे आपको पहुंचना है।
वस्तुतः व्यक्ति या संगठन को संघर्ष के माध्यम से ही अपने कमजोर एवं मजबूत पक्षों का ज्ञान होता है। भाई स्ट्रगल से तो आपको ये पता लगता है आपका सीसैट में रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स वीक है। कैसे पता लगाओगे? बैठ के सॉल्व करोगे जब दो तीन पेपर, उससे आपको क्या पता लगेगा? जब जूझोगे, कुछ चीजें गलत होंगी, कुछ चीजें सही होंगी, तो उससे आपको आपकी कमजोरी और आपके प्लस पॉइंट्स, आपके नेगेटिव पॉइंट्स का पता चलेगा। अंत यदि अपनी कमजोरियों को सुधारा जाए तथा अन्य की कमजोरियों का लाभ उठाया जाए तो संघर्ष एक निर्माणात्मक बल की भूमिका निभा सकता है। अब दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाने से मतलब यहां पे ये है, दूसरों के गलतियों से सीखना भी इसी में शामिल होगा, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम सिर्फ पीसीएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम ना देखें, अगर ओवरऑल लाइफ देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं की पहचान एवं प्रबंधन करने से संबंधित है। अब मैं आपको इसे सिंपल भाषा में बताती हूँ। आप इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बात है मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कोई चीज आपको हर्ट करेगी, आपको पता है आप किसी ग्रुप में बैठेंगे और उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे आपको बुरा लगेगा, आप अवॉइड कीजिए वहां बैठना। आप अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। उसने हमें ऐसा कह दिया, हमें तो बुरा लग गया। उसने हमसे ये कह दिया, हमें बुरा लग गया। ये जो बुरा लगता है ना आपको, ये बुरा लगना बंद हो जाएगा इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। समझ रहे हैं? स्वयं अपनी एवं अन्य की भावनाओं की पहचान करना और उनके प्रति जागरूकता, अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सिचुएशन से, आपको पता है शाम को आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, शाम को कोई घर पे आने वाला है, तो आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है और इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको एक्टिव डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप सुबह जल्दी उठ के काम का कंप्लीट करोगे अपना, क्योंकि आपको पता है आप शाम को आपके घर पे कोई आएगा, आपको अपनी मम्मी की भी हेल्प करानी है, लड़के हैं तो उनको बाहर से सामान लाना है और लड़के किचन में भी हेल्प कराते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो आप अपना दिन का जो स्केड्यूल है वो अभी शाम, सुबह से लेके शाम तक कंप्लीट कर लोगे। इन भावनाओं का चिंतन एवं समस्या समाधान के क्षेत्र में प्रयोग और अपनी और दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता, और इसमें आप दूसरों की भी फीलिंग समझोगे और अपनी भी फीलिंग समझोगे। संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्य, सूचनाएं, विचार, विकल्प एवं निर्णयों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। संप्रेषण का नियम, नियामक नियम हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वयन आवश्यक है। संचार प्रक्रिया में परस्पर एक दूसरे से संबंधित स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। प्रेषक सेंडर संदेश को भेजता है और प्राप्तकर्ता रिसीवर इसे ग्रहण करता है। किसी संचार में संदेश को भेजने योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम इसका कूट लेखन, एनकोडिंग की जाती है इसकी। इसके बाद ही प्रेषक द्वारा संदेश को प्रेषित किया जाता है और प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश को कूटानुवाद, डिकोड करता है। आपने तो एनकोड किया, पहले एनकोड किया फिर भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया और फिर उसको डिकोड किया तथा इसका अभिप्राय समझ लेता है। फिर समझ आ जाएगा, अच्छा क्या बात बोली जा रही है। तो ये एक प्रक्रिया है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि आप बताइए, अरेंज करिए कि क्रम क्या है इसका। अब सुनिए, सबसे पहले होगा एनकोडिंग, कूट लेखन, फिर होगा संचारण, ट्रांसमिशन। अब देखिए इसमें सेंडर, आप कहेंगे रिसीवर सेंडर तो आया ही नहीं, हम संचार प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कौन भेज रहा है कौन रिसीव कर रहा है उसकी नहीं बात कर रहे हैं। कूटानुवाद होगा, डिकोड करेंगे आप और फिर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप उसको समझेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 स्टेप्स हैं इसके। तो एनकोडिंग आपका पहला स्टेप है, ट्रांसमिटिंग दूसरा स्टेप है, और डिकोडिंग तीसरा स्टेप है, और अंडरस्टैंडिंग आपका फोर्थ स्टेप है। ज्यादा व्यक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरे के गुणदोषों पर ज्यादा ध्यान देता है और वास्तविक समस्या से ध्यान हटा लेता है। तो एक बैलेंस भी बनाना बहुत जरूरी है। संचार में निष्पंदन नोड के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण, शॉर्ट सर्किटिंग उपाय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बाधा उत्पन्न करने वाले निष्पंदन के सिरे को भूमि से 1 से 1.6 सेकंड समयांतराल के लिए लघु परिपर्थित, शॉर्ट सर्किट करके प्रभावित करने वाली लाइन नेटवर्क से अलग हो जाती है। ये आपको नोड पे सवाल आ सकता है, आपको ये याद रखना है। संचार कम्युनिकेशन सदस्यों के व्यवहार को विविध तरीकों से नियंत्रित करता है, अलग अलग तरीके से करेगा। संगठनों में कुछ औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम होते हैं जिन्हें कर्मियों, जो आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसका पालन करना पड़ता है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम उन्हें फॉलो करेंगे, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मी को नौकरी से संबंधित कोई तकलीफ या परेशानी प्रेषित करनी है तो उसे बने हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप चलते हुए सर्वप्रथम अपने निकटतम उच्च अधिकारी को अपनी बात या तो रिटन में या फिर मौखिक रूप से ओरली बतानी पड़ेगी, और इस प्रकार कंपनी के नियम एवं नीतियां
जो है उनका अनुसरण संचार का नियंत्रण करने वाला रूप है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है खराब श्रवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मौखिक संप्रेषण के तीन पहलू हैं, वार्तालाप, बातचीत, श्रवण और भाव भंगिमा, तीनों याद रखिएगा। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। कौन अपनी बात कितनी सरलता से, कितने अच्छे तरीके से कह पाए, इससे आपका ओरल संप्रेषण इफेक्टिव हो जाता है। लघु समूह संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है, ये बात हो रही है छोटे ग्रुप की। लघु समूह संप्रेषण में व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट कार्य निर्देश दे सकता है तथा किसी संवाद को प्रारंभ करने समूह के सदस्यों के साथ परस्पर वार्तालाप प्रारंभ कर सकता है। इस प्रकार हुए परस्पर संवाद अथवा वार्तालाप के निष्कर्ष समूह के संचालन कर्ता को निर्णय लेने में सहायक होते हैं और निर्णयकर्ता बनकर व्यक्ति नेतृत्व की भूमिका में आ जाता है, आप लीडर बन जाते हैं फिर। अच्छा, टेलीफोन से अगर संप्रेषण हो रहा है तो कैसा एग्जाम्पल है, वो यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जो संप्रेषण है उसमें वक्ता ने कोई बात कही या कोई संदेश किसी यंत्र के माध्यम से विद्युतीय संकेतों में बदलकर या रेडियो संकेतों के रूप में परिवर्तित करके श्रोता तक पहुंचाया जाता है। आप समझ रहे हैं ना, टेलीफोन पे डायरेक्ट बात हो रही है लेकिन आप उसमें यंत्र के माध्यम से विद्युतीय संकेत जो है वो रेडियो संकेत में परिवर्तित होके जा रहे हैं, जहां पे इन्हें पुनः यंत्रों के माध्यम से ध्वनि के रूप में बदला जाता है, फिर आपको आवाज आती है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि आप अपनी बात कैसे कहते हैं, हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, हाउ डू यू से योर थिंग, व्हाटएवर यू वांट टू से। जन संप्रेषण व्यापक लोगों रूप से लोगों तक एक स्रोत में से सूचना के प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है, संज्ञान एक वर्ड आता है, संज्ञान ज्ञान अर्जित करने से जो संबंधित प्रक्रिया है, आप किसी भी प्रकार की नॉलेज अटेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज संज्ञान। कक्षा में संप्रेषण हेतु प्रायः इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः संज्ञानात्मक समझा जाता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको आपके सामने तो बैठ के आपको नहीं पढ़ा रही हूं, लेकिन यहां पे संज्ञान आपके काम आ रहा है। प्रतिपुष्टि प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि प्रक्रिया क्या होती है, फीडबैक मैकेनिज्म, इसकी उपस्थिति से ही लूप निर्मित होता है, लूप समझते हैं गोला, और वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा जिसके तहत एनकोडर डिकोडर की भूमिका निभाएगा। नृत्य अशाब्दिक संप्रेषण का अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, क्योंकि अशाब्दिक संप्रेषण को शारीरिक हावभाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों के संपर्क आदि से संप्रेषित किया जा सकता है। नृत्य डांस अशाब्दिक संप्रेषण है ना, लेकिन डांस से आप कोई मैसेज तो पहुंचा सकते हो। इसके अतिरिक्त वस्त्र, बालों का स्टाइल, प्रतीक, चित्र, इन सबके माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक कलात्मक रूप है, अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप, ठीक है, इट्स अ आर्ट। संप्रेषण किसी संगठन में निम्न दिशा में प्रेषित होता है, अब वो आपको दिशा देखनी है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, विकर्ण संप्रेषण, सर्वदिशात्मक संप्रेषण, इंट्रास्केलर संप्रेषण। अब विकर्ण संप्रेषण विभिन्न कार्यात्मक प्रभावों में कार्यरत कार्मिकों एवं प्रबंधकों के मध्य सीधे संप्रेषण को इंगित करता है। यह संप्रेषण उद्वाधार एवं समांतर संप्रेषण की कमियों को समाप्त करता है। विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठन में, मैट्रिक्स या परियोजना आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से अगर आए तो याद रखिए वो विकर्ण संप्रेषण है, जो बड़े बड़े संगठनों में और मैट्रिक्स और परियोजना वगैरह बनाते हैं ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, ग्रहिता की कमजोरी है, जबकि अस्पष्टता, शब्दजाल एवं समय की बाधक प्रेषक की कमजोरियों से संबंधित है। याद रखिएगा प्रेषक की कौन कौन सी है, प्रेजुडिस प्रेषक की नहीं है, ये ग्रहिता की है। पूर्वाग्रह ग्रस्त होने पर ग्रहिता प्रेषक की बात को उसके वास्तविक अर्थ में समझ पाने में असफल हो जाता है। प्रेजुडिस में आपने पहले से कुछ सोच रखा होता है, आपको जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ आपके मन में कुछ है, किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ, तो आप उसको अननेसेसरी टारगेट करोगे, प्रेजुडिस हो जाओगे आप उसके खिलाफ। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, वार्तालाप के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण को कहते हैं। देख लीजिए सारे प्रकार के आपको यही शब्द लिखे मिलेंगे इसमें, आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए ये इंटरपर्सनल स्किल्स में बस एक प्रॉब्लम है, देखिए आप आम बोलचाल की भाषा में इसको नहीं आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको इस शब्द याद करने पड़ेंगे हर हाल में, क्योंकि यही शब्द पेपर में आएंगे आपके।
चाक्षुक संपर्क आई कॉन्टैक्ट, एक अवाचिक संप्रेषण है कैसा है नॉन वर्बल आई कॉन्टैक्ट, जबकि शेष वाचिक संप्रेषण है। और अवाचिक संप्रेषण में आंख और चेहरे का हावभाव, सामान्य शारीरिक भाषा, प्रकटन आदि भावों को शामिल किया जाता है। जाहिर सी बात है आई कॉन्टैक्ट में आपको और चीजें भी आप देखते हो, अच्छा क्या कहना चाह रहा है उसने, मुझे वो मुझे ऐसे देख रहा था, करते हैं ना हम ऐसी बातें। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन एनकोडिंग के माध्यम से संदेशों को वाचिक वर्बल अथवा अवाचिक नॉन वर्बल संकेतों के रूप में तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित किया जाता है। प्रेषक की योग्यता, मनोवृत्ति, ज्ञान, क्या नॉलेज है उसकी, क्या उसका बैकग्राउंड है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कूट लेखन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, एनकोडिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करेगी, ये सारी चीजें। संप्रेषण नियम कम्युनिकेशन रूल्स हमारे अंतर्हित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है, जो दूसरों से संप्रेषण करने में समुचित तरीके को स्पष्ट करता है। ये वाला सवाल आएगा तो आप ठीक कर जाओगे, लेकिन अब पढ़ के तो जाओ ढंग से। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। वृत्त नेटवर्क, समूह सदस्य सिर्फ पड़ोसी सदस्य से बात कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में सूचना व संदेश समूह सदस्यों के बीच बगली रूप में भेज देता है। मतलब आप आसपास वाले वृत्त नेटवर्क में ना, आप आसपास वाले लोगों से बात करते हो। श्रृंखला नेटवर्क में सूचना व संदेश एक उच्चानी क्रमिक निर्देश श्रृंखला में केवल ऊपर या नीचे जा सकते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। सितारा या चक्र संजाल, इसमें क्या होगा, एक नेता केंद्रित बिंदु है और वो सारे माध्यमों के बीच अपनी बात फैला रहा है। सभी मार्ग नेटवर्क, इसमें क्या होगा, एक सदस्य दूसरे से सक्रिय तौर पे मुक्त रूप से बात कर सकते हैं, औपचारिक संचार का सबसे विकेंद्रीकृत प्रकार है ये, डिसेंट्रलाइज्ड है ये, सभी मार्ग नेटवर्क आ गए ना इसमें। संप्रेषण किसी संगठन में निम्न दिशा में आघटित होते हैं, ये आप देख चुके हो, हाँ ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट हो रखा है, कोई बात नहीं इसको छोड़ देते हैं। संगठन में संचार व्यक्तियों के मध्य, अनुभागों विभागों के मध्य, मौखिक तथा लिखित तथा बाहरी संगठनों के साथ भी होता है। तो आप ये तो मतलब ये आसान वाली चीजें हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। चेस्टर बर्नार्ड ने प्रतिपादित किया था संचार के सिद्धांत के अनुसार संप्रेषण का मार्ग निश्चित तथा सभी को ज्ञात होना चाहिए, ताकि जहां तक हो सके संचार को सीधा एवं छोटा होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट और शॉर्ट होना चाहिए, एकदम सीधा जिस तक बात पहुंचानी है उस तक पहुंचे और एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज हो। संचार में स्वरूपता, निरंतरता, यथेष्टता, पर्याप्तता तथा स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। कठोरता संचार का गुण नहीं है, याद रखिएगा। संचार समझ को हस्तांतरित करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। संचार में उद्देश्यों को साझा करना होता है, संदेश का प्रेषण मात्र ही पूर्ण संचार नहीं हो सकता, अपितु साथ में उसकी समझ भी हस्तांतरित होनी चाहिए। संचार एक कार्य भी और एक प्रक्रिया भी है। संचार के तीन मुख्य पहलू हैं, आंतरिक संचार, बाह्य संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। ये तो आपको रट जाएगा, अब कुछ चीजें तो कीवर्ड्स आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी अच्छे से। अनौपचारिक संप्रेषण, शरीर की भाषा, अंगूर लता संचार से, गपशप या गॉसिप नेटवर्क, संभाव्यता नेटवर्क माध्यम से होता है, निर्धारित संहिताओं तथा साप्ताहिक बैठकों द्वारा औपचारिक संचार होता है। अंगूर लता संचार इष्टतम निर्णयन हेतु विश्वसनीय सूचना नहीं देता, क्योंकि यह जिन स्तरों से गुजरता है वहां कुछ नवीन बातें ग्रहण कर लेता है। देखिए मैंने आपसे एक बात कही, ठीक है, फिर वो बात ट्रांसफर होके कहीं और गई, तो क्या होगी ना, डायरेक्ट बात नहीं जाएगी। वो कहते हैं ना बात इधर की उधर करना, एक बात से दूसरी बात, फिर तीसरी, फिर चौथी, तब जब बात पहले सोर्स से पांचवें सोर्स पे पहुंचेगी तो वो जैसे कुछ कुछ नई बातें भी उनके साथ जुड़ के चली जाएंगी। किसी संगठन में फीडबैक ऊर्ध्वगामी संचार द्वारा, बाह्य संप्रेषण द्वारा तथा सामान्यतः संप्रेषण द्वारा प्राप्त होता है। फीडबैक प्राप्तकर्ता का वह जवाब है जो प्रेषक को जानने में सक्षम बनाता है कि संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता को मिला है और उसके द्वारा समझा गया है जैसा कि वास्तव में था। भाई फीडबैक से ही तो आपको पता लगता है, आपने तो फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली किस लिए होता है, मैं जिस इंटेंशन से आपको काम करवाना चाह रही हूँ क्या आप तक पहुंच पा रहा है मेरा काम उस इंटेंशन से, ये बात मुझे कैसे पता लगेगी जब आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। तो फीडबैक जो है वो ये सारे काम करता है। संप्रेषण संगठन में दो मुख्य मार्ग से चलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में औपचारिक संचार तथा अनौपचारिक संचार। संचार संगठन का मर्म है, यह सूचना को समझाना संचार है ना कि सूचना को भेजना, याद रखिएगा। ग्रेप वाइन, अनौपचारिक संचार में परिघटना की सूचना प्राय संगठन के हित में हो या प्राय संगठन के हित में हो यह सही नहीं है। अनौपचारिक संचार में व्यक्ति सही गलत सभी प्रकार का संचार करता है। इस संचार को संगठन के हित में प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि यह जनता का मत जानने में सहायता करता है। भाई इनफॉर्मल
जितना भी आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आप कभी भी किसी चीज को करा नहीं सकते। इनफॉर्मल तो इसलिए है कि चलो ठीक है, कहते नहीं है आप थोड़ा सा फ्रैंक हो जाओ, उससे बात करो, तो उसका एक्चुअली है क्या मन में, ये जानने के लिए होता है। ये शोर में संचार के हर भाग में मौजूद वे कारक शामिल हैं जो संदेश की उपयुक्तता या विश्वसनीयता को घटाते हैं। शोर, नॉइज, नॉइज कम्युनिकेशन के लिए ठीक नहीं होता। अतः यह संचार प्रक्रिया के किसी भी चरण में घटित हो सकता है, वो भी किसी भी लेवल पे हो सकता है। किसी संचार को प्रभावी बनाने के लिए 6 कारक अनिवार्य हैं। क्या क्या? संचार को स्पष्ट होना चाहिए, प्राप्तकर्ता की अपेक्षाओं के लिए निरंतर प्रभाव में होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, इट शुड बी इनफ, एक समान होना चाहिए और स्वीकार्य होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। संचार के माध्यम कितने हैं? 3। ऑडियो, विजुअल और एवी, ऑडियो विजुअल। ऑडियो क्या है? ऑडियो माध्यम से सम्मेलन, साक्षात्कार इत्यादि, विजुअल माध्यम से सर्कुलर रिपोर्ट, चित्रात्मक फॉर्म आदि, और ऑडियो विजुअल से टेलीविजन, ध्वनि, गति, चित्र, ये सब। ये तो चुन लोगे ना आप, अगर आपको ऑप्शंस में लिखा आएगा इसमें से ऑडियो कौन सा है, विजुअल कौन सा है, ऑडियो विजुअल कौन सा है, तो पता लग जाएगा ना आपको। पत्र, टीपे, नोटिस, बुलेटिन, तार, टेलेक्स, नियम, हस्त पुस्तिका, ये सब त्वरित लिखित संचार के साधन हैं। त्वरित लिखित, इंपॉर्टेंट। जब आप कोई नया विचार और कोई नई प्रक्रिया लाना चाहते हैं तो आपको कठिनाई का सामना हमेशा करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का रुझान, राय, उसका विश्वास उसे सही और अतिरिक्त सूचना स्वीकार करने से रोकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा जो हमारी, हम जैसे पले बड़े हैं, सब कुछ है हमारे साथ, कुछ भी नया होगा, जैसे ही कोई पैटर्न चेंज होगा, मान लीजिए अब एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है तो एकदम से हमें प्रॉब्लम आती है ना, समझ रहे हैं, तो ये मौजूदा स्थिति से टकराते हैं। ये वास्तव में प्रभावी संचार को बाधित करता है। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी बाधा तो आएगी लेकिन इंसान फिर उसको ओवरकम कर लेता है, ठीक है। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको वो चीज़ ओवरकम करा देगा और फिर आप अपना पेपर, जैसे ऑप्शनल हट गया है तो जो नया पेपर आएगा उसमें आपको कठिनाई हो सकता है, आए कोई बात नहीं, करा दी जाएगी आपकी तैयारी, समझ रहे हैं। चलिए, किसी भी संगठन में संचार हमेशा औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार से होता है। संचार का औपचारिक मार्ग प्रबंधक द्वारा आधिकारिक सूचना को भेजने के लिए सोच समझकर स्थापित किया गया होता है, और संचार का अनौपचारिक मार्ग जो है वो एक अनाधिकारिक मार्ग है और कार्यस्थान पर सामाजिक शक्तियों के काम करने का परिणाम होता है। इसे ग्रेप वाइन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। संप्रेषण का सार है समझना, जिंदगी का ही सार है समझना, क्योंकि ये संचार का मर्म है। संचार का मुख्य उद्देश्य सूचना को समझना है, ना कि सूचना को भेजना। रट लो इस लाइन को, आएगी ये लाइन लिखी हुई। और चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था, जो संचार समझा नहीं जा सकता उसका कोई प्राधिकार नहीं हो सकता। किसी संगठन में संचार विभाग विभिन्न भागों सदस्यों के बीच सूचनाएं, अबोधन और समाज का प्रभाव है। संचार आदेश, प्रबंध कार्य तथा श्रेणीबद्धता के संरचनात्मक सिद्धांतों में सम्मिलित होता है। संचार एक प्रक्रिया है तथा सूचना एक वस्तु है। संचार प्रक्रिया है, सूचना वस्तु है, जिसका संचरण संचार प्रक्रिया में होता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? एक वर्ड है कम्युनिस, लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है सामान्य। संचार प्रक्रिया के जरिए सूचना भेजने वाला सूचना प्राप्त करने वाले से सामान्यता समझ स्थापित करना चाहता है, ठीक है। संचार का अंतर्निहित लक्ष्य किसी समान मुद्दे पर मस्तिष्कों को मिलाना है ना, सहमति बिठाना है। इसका आशय किसी भी व्यक्ति को सूचना समझना है और ना सिर्फ सूचना भेजना है, यह सूचनाओं की जानकारी देता है, संगठन का मर्म है। संप्रेषण कम्युनिकेशन में किस का नियम? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, हमारे लिस्टिंग वीडियो की तरह, है ना। तो लिस्टिंग वीडियो इज इक्वल टू किस। संप्रेषण में किस का नियम, ये जरूर याद रखना है आपको। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए प्रयुक्त होता है। ये आपसे पूछ लेगा किस देखे, इसकी फुल फॉर्म में 3-4 लिखे हुए होंगे, कीप इट शाइनी एंड सिंपल, कीप इट कुछ भी, 4-5 वर्ड्स। इससे तात्पर्य अपनी बात को जटिल और बढ़ा चढ़ाकर रखने की बजाय संक्षिप्त और सरल तरीके से प्रस्तुत करना है। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह, ग्रहिता की कमजोरी है, ये हो चुका है। शब्द भंडार, भाषागत बाधा, दूरी संरचनात्मक बाधा, जल्दबाजी, परिस्थितिक बाधा तथा कोलाहल पर्यावरणीय बाधा है, याद रखिएगा ये चीज।
किसी संप्रेषक द्वारा अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तथा अनेक माध्यमों से जैसे लिखित, मौखिक, सांकेतिक, भंगिमा और भाव भंगिमा द्वारा पहुंचाया जाता है। संदेश प्राप्तकर्ता इसे पढ़कर, सुनकर तथा समझकर इसका अर्थ निर्धारित कर प्रतिक्रिया करता है। आप रिएक्शन कब देते हो? वैसे तो रिएक्शन तुरंत आजकल लोग सुनते ही दे देते हैं, तो सुनते नहीं देना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसका मतलब निकालना चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। संचार एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित करता है। प्रतिपुष्टि संप्रेषण हेतु बाधक नहीं अपितु उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, याद रखिएगा, मुझे हाईलाइट ही करना पड़ेगा। प्रतिपुष्टि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संप्रेषणकर्ता को यह ज्ञात होता है कि सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना को किस प्रकार समझा गया तथा इसमें किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। भाई इससे आपको पता चल रहा है ना प्रतिपुष्टि से कि एक्चुअली बात पहुंची, पहुंची तो कैसे पहुंची, और अगर पहुंच गई, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो हम क्या इंप्रूवमेंट करें, क्या अमेंडमेंट करें, क्या संशोधन करें। संप्रेषण के व्यवधान में सूचना फिल्टर करना, क्षमता से अधिक सूचना होना और रक्षात्मक तो सम्मिलित होते हैं, लेकिन उद्देश्य की सत्यनिष्ठा संप्रेषण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करती, याद रखिएगा। अगर आपका उद्देश्य के प्रति आप सत्यनिष्ठ हैं, आप लाइफ का भी बड़ा ज्ञान ले सकते हैं देखा जाए तो, इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़ के, है ना। चलिए, किसी संगठन में सूचना फिल्टर करने की प्रक्रिया बहुधा वरिष्ठ और अधीनस्थ दोनों प्रकार के व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाती है। जहां तक वरिष्ठ अधिकारियों का सवाल है, वहां हर व्यक्ति संगठन में अपनी उच्च स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जाहिर सी बात है। ऐसे में वह अपनी कमियों और अक्षमताओं को छिपाना भी चाहेगा, ये भी जाहिर सी बात है। अर्थात वरिष्ठ व्यक्ति अपने विचारों को उक्त कारणों से अपने अधीनस्थों से पूर्ण रूपेण व्यक्ति नहीं करेंगे। अधीनस्थ व्यक्ति भी सूचनाओं को फिल्टर करेगा, हर कोई करता है। देखिए फिल्टर तो अब मुझे लगता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फोन में नहीं है, अब जिंदगी में लोग फिल्टर लगाने लगे हैं, क्योंकि कुछ मामलों में वो सोचते हैं कि कुछ बातें वरिष्ठ अधिकारियों के दृष्टिकोण से नेगेटिव नकारात्मक हो सकती हैं और इनका उनके करियर पर बुरा असर हो सकता है, तो वो चीजें फिल्टर करके बताएंगे। क्षमता से अधिक सूचना भी संप्रेषण के लिए व्यवधान डालती है, क्योंकि अधिक सूचनाओं के होने पर मुख्य बातें जिन्हें संप्रेषित किया जाना अधिक महत्वपूर्ण होता है वो छूट जाती हैं, या संप्रेषित किया भी जाता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति के विषय में उससे कोई वरिष्ठ यदि कोई नकारात्मक बात कहता है तो बहुधा व्यक्ति रक्षात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म अपना लेते हो फिर आप, और अपने विचारों का संप्रेषण करने से बचने लगते हो। अर्थात जब व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति किए गए व्यवहार से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उनके बीच परस्पर संप्रेषण कम हो जाता है, याद रखिएगा हमेशा। तीन कीवर्ड्स हैं। उद्देश्य की सत्यनिष्ठा संप्रेषण में बाधक नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि संगठन में व्यक्ति अपनी साख बनाए रखने के लिए अपने उद्देश्य और विचारों को दूसरे के सामने स्पष्ट करना चाहता है, और ऐसा वह चुप बैठ के तो कर नहीं सकता, इसलिए वह अपने कार्य और बातों को आवश्यक संप्रेषित करेगा ही करेगा, करना चाहेगा ही। तो प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता तक संदेश संप्रेषण के माध्यम उच्चरित, लिखित तथा भाव भंगिमा एवं चिन्ह, ये सभी हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं पेपर में लिखा आएगा इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सभी हो सकते हैं। संप्रेषण तभी समुचित रूप से प्रभावी होगा कब, जब प्रेषक जो है प्राप्तकर्ता को जो उसने संदेश पहुंचाया है और चिन्ह सही रूप से अपने वास्तविक अर्थों के साथ संप्रेषित हुआ है। जो भी आपने मैसेज पहुंचा है वो किसी भी रूप में भेजा है वो एक्चुअली बस सही पहुंचना चाहिए। भौतिक या पर्यावरणीय, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक संदर्भ संप्रेषण संदर्भ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धार्मिक संदर्भ नहीं आते, रिलीजियस मैटर्स नहीं आते, याद रखिएगा। उदाहरण देना, कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना शाब्दिक संप्रेषण के स्रोत हैं, ठीक है। मैं आपको कोई एग्जांपल दे रही हूँ, कोई कहानी सुना रही हूँ, जिसमें संप्रेषण के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसके विपरीत चित्रमय प्रदर्शन अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है, जिसमें चित्रों के माध्यम से प्रेषक अपनी बात प्राप्तकर्ता तक पहुंचाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, ये लाइन लिखी आई पेपर में तो ठीक कराओगे, बिल्कुल करके आओगे। अब प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण है। दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? रॉन्ग परसेप्शन, जो कि अभिवृत्ति संबंधी बाधाओं या पूर्वाग्रह आदि के कारण होता है। भाई या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को ठीक से, या फिर आपने प्रेजुडिस बना रखा है। दोषपूर्ण उच्चारण तथा दोषपूर्ण भाव भंगिमा शारीरिक अवरोध है, जबकि दोषपूर्ण स्थान भौतिक अवरोध है। समझ में आ गया ना? आपका उच्चारण ठीक नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो ये तो बॉडी का हो गया ना आपका प्रॉब्लम, और दोषपूर्ण स्थान जो है ये भौतिक हो गया। संप्रेषण के तहत प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को संदेश संप्रेषित किया जाता है, यह गतिशील, इट इज डायनेमिक, जिसमें इसके भागीदार एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया इंटरैक्शन के माध्यम से सृजित करते हैं।
संप्रेषण में सर्वाधिक सहायक श्रव्य कौशल सक्रिय श्रव है, मैंने आपको बताया एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, बस बैठ के देख रहे हैं, ठीक है मैम बोल रही हैं, फिर आप कहेंगे बस आप पीडीएफ से पढ़ रही हैं, कुछ बता तो रही नहीं है। अब हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में समझाना, इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी में समझाना है, पेपर में आएंगे कीवर्ड्स लिखे हुए, अगर आप एक्टिवली सुनेंगे तो पेपर तैयार हो रहा है आपका एक, और बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, याद रखिएगा ये सब, एक्टिवली सुन लीजिए ये बात, बहुत ज़रूरी पेपर है। इसकी वजह से मैंने देखा है इतने लोगों के एग्ज़ाम रुके हैं कि पेपर इतना अच्छा करके आए हैं पूरे, मतलब आई नो पीपल जो जीएस पेपर में जिनका स्कोर 110 क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस ठीक करके आए हैं 150 में से, और सी सेट क्लियर नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। इसके द्वारा प्राप्तकर्ता श्रोता प्रेषक वक्ता की बातों को अधिक प्रभावी और सही तरीके से ग्रहण करने में सक्षम होता है। प्रतियोगी श्रेय श्रव्य निष्क्रिय श्रव्य या पूर्वग्रही श्रव्य प्रभावी संप्रेषण में बाधक हैं, सहायक नहीं हैं। कंपेटिटिव हो जाएं आप, निष्क्रिय हो जाएं, बिल्कुल ऐसे पैसिव लिसनर हो जाएं या प्रेजुडिस्ड लिसनर हो जाएं, तो वो चीज ठीक नहीं है आपके लिए। प्रेषक के संदेश में स्पष्टता क्लैरिटी होनी चाहिए। प्राप्तकर्ता का समुचित अवधान अटेंशन तथा प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य समन्वय कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो भेज रहा है वो क्लियर हो, जो रिसीव कर रहा है वो अटेंटिव रहे, और दोनों कोऑर्डिनेट करें, मजे ही मजे हैं फिर। तो ये सब आवश्यक सिद्धांत हैं प्रभावी संप्रेषण के। और मैं आपसे कहूं पदानुक्रम हायरार्की, वो इससे इसका क्या रिलेशन है, ये तीनों लिख के आए मान लो पेपर में, तो हायरार्की का एक दूसरे के, मैं और आप बैठ के यहाँ पे मैं आपको जो बताऊं वो क्लियर बताऊं, आप अटेंटिव होके सुन लो, हम दोनों कोऑर्डिनेट कर लें, इज इक्वल्स टू पेपर क्लियर। इसमें हायरार्की क्या करेगी, कुछ करेगी क्या हायरार्की इसमें? अशाब्दिक संप्रेषण के लिए प्रेषक और ग्राही दोनों का ही सांस्कृतिक परिवेश से होना आवश्यक शर्त है, एक ही सांस्कृतिक परिवेश से। अशाब्दिक संप्रेषण जब हो रहा है, दोनों के भिन्न सांस्कृतिक परिवेश का होने की स्थिति में प्रेषक के संकेतों को समझने में ग्राही को कठिनाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक संस्कृति से नहीं आते हैं तो आप अशाब्दिक संप्रेषण में शायद बात भी नहीं ढंग से समझ पाए, हो सकता है ऐसा। संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल मतलब पैरामीटर पृष्ठ पोषण है, मैंने आपको बताया फीडबैक है, फीडबैक के द्वारा संप्रेषण के स्तर का स्पष्ट रूप से आकलन किया जाता है। नए माध्यम कंप्यूटर टेलीशॉपिंग इंटरनेट मोबाइल टेलीफोनी, इन सबसे संप्रेषण को अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहते हैं, डेफिनेशन याद रखना ठीक है। इस संप्रेषण के अंतर्गत दो व्यक्तियों या मशीनों के मध्य संचार होता है और प्राप्त पुष्टि के आधार पर तत्काल निर्णय एवं परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। प्रभारी होने के नाते आपका दायित्व है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के निवासियों को स्वस्थ और जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्क संगत रूप से समझाना चाहिए, जिससे वर्तमान नीति के कड़े विरोध को समाप्त किया जा सके। कोई भी नीति का विरोध अगर हो रहा है, कोई भी, उसको विरोध को समाप्त करने के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्चुअली उसको दिखाओ कि वाई इट इज रॉन्ग या वाई इट इज नॉट गुड फॉर यू। बाद में इसे समाप्त करने के लिए उन लोगों से भी प्रत्यक्ष रूप से बात करें करने का आग्रह करेंगे जिनका बंध्याकरण हो चुका है और जो गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं। फिर आप उनसे भी बात करोगे, यहाँ पे बात हो रही है फैमिली प्लानिंग की, एग्जांपल्स देंगे वो आपको आके कि हाँ ये ठीक है। व्यक्ति किसी तथ्य को सुनने के पश्चात सोचेगा, उस पर विश्वास करेगा और तदुपरांत उसी आधार पर कार्य करेगा, ऐसे ही तो होता है, पर आजकल तो लोग बिना सोचे काम कर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है ज्यादा, है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं पढ़ रहे हैं। डोनाल्ड पेज 1952 ने संगठनात्मक संचार ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में सिद्धांत दिया कि प्रबंधनकर्ता अथवा नेतृत्वकर्ता की योग्यता, उसकी कैपेबिलिटी, जो आपका लीडर है, जो आपका मैनेजमेंट का हेड है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, और समर्थता को के द्वारा कर्मचारी अथवा अधीनस्थ के साथ प्रभावी संबंध और स्पष्ट संचार का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी सिद्धांत को पेल्म प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता को पेल्स प्रभाव स्पष्ट करता है। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए बहुत से कदम उठाए। इस आंदोलन का राजदूत बनने के लिए सुप्रसिद्ध व्यक्तियों से अनुरोध भी किया गया और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा अधिक से अधिक नागरिक इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित होंगे, इसलिए तो किया गया। तो विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? लोगों की स्मृति को पुनः जागृत करना, उत्पाद के बारे में जागृति पैदा करना, राष्ट्रीय परिदृश्य पर किसी उत्पाद की स्थापना करना और उत्पाद के लिए नवीन बाजार का सृजन करना, नया मार्केट स्टैब्लिश करना, उपभोक्ताओं को उत्पाद प्रयोग करने के लिए शिक्षित करना और उपभोक्ताओं को अन्य उत्पादों की तरफ आकर्षित होने से रोकना, ये सब कुछ आएंगे ना इसके अंदर।
विज्ञापन मुख्यतः एक विपणन संचार है जो व्यक्तियों को किसी वस्तु, राजनीतिक गतिविधि या विचारधारा का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। एड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ये चीज देख लेना आप। बहुत चीजें आपने भी मेरे ख्याल से की होंगी, किसी चीज का एड देख के आपने वो चीज खरीदी होगी, कुछ करा होगा, होता है ऐसा जरूर। क्रिस आर्गिरिस ने अपुष्ट संदेश ग्रेपवाइन को किसी संगठन में समन्वय को सुसाध्य बनाने में सकारात्मक बाधा माना है, ठीक है, पॉजिटिव ऑब्स्टिकल। यह एक प्रकार से आदमी का जन्मगत अधिकार है, इसका समन्वय नहीं हो पाता है। अशाब्दिक संचार के अंतर्गत देह भाषा, मुख्य अभिव्यक्ति एवं लहजा, टोन क्या है आपकी, ये सब आते हैं। अशाब्दिक संचार का अर्थ है कि शब्दों से रहित संचार, अर्थात इसमें शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता, उसके बिना ही आप अपना मैसेज प्रकट या प्रेषित करते हो। अतः यह देह भाषा, हाव भाव, मुख्य अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है आपके, एवं लहजा द्वारा संदेश प्रेषित करने का एक माध्यम है। पॉइंट्स में इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, जिससे आपको चीजें ढंग से याद हो जाएं, ठीक है। अधिकारी या कोई व्यक्ति अपनी निराशा एवं खीज अपनी पेन को मेज पर पटक कर करते हैं, होता है ना ऐसा, पटक देते हैं पेन तो क्यों करते हैं, मतलब गुस्सा आ गया किसी चीज से। अपने सहकर्मी के साथ वार्तालाप में वार्तालाप के विषय के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए भाई। वार्तालाप के दौरान सही समय पर मुस्कुराहट न केवल वार्तालाप को सौहार्दपूर्ण बनाता है अपितु अपनी वार्ता में सक्रिय सहभागिता को भी प्रदर्शित करता है। भाई आप से कोई बातचीत हो रही है, कोई हंसने वाली बात किसने कही तो आपने हल्का सा स्माइल कर दिया, तो इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा हाँ भाई बात समझ में आ रही है ना, दोनों एक दूसरे की बात ढंग से सुन रहे हैं, फिर उसने कुछ कहा आपने हंस दिया, ठीक है। और अपितु अपनी वार्ता में सक्रिय सहभागिता को भी प्रदर्शित, हाँ, वार्तालाप के दौरान बेहद गंभीर बने रहना या सदैव मुस्कुराना या वार्ताकार के सभी विचारों को समर्थन देना वार्ता में आपकी अर्ध सहभागिता को दर्शाता है। याद रखिएगा, ये मत समझिएगा आप हंसी रहे हैं, हंस रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा तो बड़े ढंग से मेरी बात सुन रहा है, नहीं ऐसा नहीं लगेगा। और या फिर आप उसकी हर बात को समर्थन दिए जा रहे हैं तो उसको लगेगा कि भाई ये तो इंटरेस्टेड नहीं है इतना, लगेगा नहीं लगेगा। आगे झुकना, लीनिंग फॉरवर्ड, धनात्मक व्यक्तिक संकेत है जो श्रोता द्वारा किसी व्यक्ति की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। मतलब ऐसे आगे करके आप कुछ, मैं कैसे बताऊं आपको, समझ रहे हैं, लीन फॉरवर्ड करना, यह श्रोता की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। और लीनिंग बैक विभ्रांति तथा अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक है। ये दोनों याद रखना, फॉरवर्ड किसका है और बैक किसका, ये ऐसी पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है। त्योरी चढ़ाना, स्काउलिंग, समझते हैं इसे, कैसे बताऊं, नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति या उसके कार्यों या विचारों को नापसंद करना है, चिढ़ है, झंझलाहट है आपको, समझ रहे हैं, मुंह सिकोड़ना ऐसे समझ लो, तो स्काउलिंग नहीं करनी चाहिए। लीनिंग बैक हो गया है, व्यक्तियों की प्रत्येक व्यक्ति आपसी बातचीत के दौरान सामान्यतः उन्हीं व्यक्तियों की तरफ झुकाव रखते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है, और उन व्यक्तियों के विपरीत दिशा की ओर से झुकते हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं। किसी व्यक्ति से संवाद के दौरान विपरीत दिशा की ओर झुकना ऊब या अरुचि का घोतक है। ऊब या अरुचि, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर सो बोर्ड, है ना। दूर संचार सेवा यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है, ठीक है, और इसमें वक्ता द्वारा कही गई बातें या संदेश को यंत्रों के माध्यम से परिवर्तित करते हैं, श्रोता के पास ध्वनि के रूप में पहुंचाया जाता है। ध्यातव्य है कि संचार में के ऐसे माध्यमों को श्रव्य संचार, ऑडियो कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिनमें श्रोता या प्रापक केवल संदेश को सुन सकता है, जैसे रेडियो, टेलीफोन, सेमिनार, समूह संचार। इस प्रकार के संचार में श्रवण इंद्रियों का उपयोग सर्वाधिक होता है, सुनने वाली आपकी जो सेंसेस हैं उनका आप ज्यादा उपयोग करेंगे। इसका लाभ क्या है कि इसमें प्रापक का शिक्षित होना भी जरूरी है, जाहिर सी बात है, तभी तो आपको समझ आएंगी चीजें। साइमन गो बैक वाले साइमन नहीं, वो नहीं है ये। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में सुझाए गए बिंदुओं में से तीन महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। बुद्धिपूर्ण क्रिया, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, अभिकल्प क्रिया, डिजाइन एक्टिविटी, और चयन प्रक्रिया, चॉइस एक्टिविटी, ठीक है। हर्बर्ट साइमन 1960 में इन्होंने निर्णय प्रक्रिया संबंधी सहायक तंत्रों को व्यक्त किया था। उसके लिए इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने माना था कि निर्णय संबंधी प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम मनुष्यों में निर्णय प्रक्रिया से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया था, डिसीजन मेकिंग वाला। उपरोक्त विकल्पों में तादात्मीकरण क्रिया, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, साइमन के निर्णय संबंधी प्रथम चरण बुद्धिपूर्ण क्रिया का ही भाग है, याद रखिएगा। अब एक तर्कसंगत निर्णय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं,
फॉलोइंग स्टेप्स, समस्या को परिभाषित करना, प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, निर्णय पद्धति की पहचान कीजिए, पद्धतियों को एक क्रम से भारित कीजिए और इनमें से विकल्पों को विकसित कीजिए और फिर उन विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। आपने पास सारे ऑप्शंस लाइए, फिर उनको धीरे धीरे एनालिसिस कीजिए कि जो ऑप्शंस आए हैं आपके पास वो ठीक हैं कैसे हैं। निर्णय प्रक्रिया में सभी विकल्पों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करके ही अंतिम रूप से लिए जाने वाले निर्णय पर मुहर लगाई जाती है। यू गेट टू द फाइनल कंक्लूजन प्रॉपर एनालिसिस के बाद। निर्णय सार्वभौमिक रूप से विकल्पों के बीच चयन का प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जाहिर सी बात है, ऑप्शंस तो बहुत हैं। डिसीजन क्या है? डिसीजन वो है जो आप चॉइस कर रहे हैं। निर्णय के बारे में बर्नार्ड ने, ये मैं इसलिए कीवर्ड मार्क कर रही हूं जिससे आप रिवाइज करें ना तो आपको पता चल जाए कि इनसे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में इसका नाम आ रहा है, ने व्यापक विश्लेषणात्मक आधार प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्णय व्यापक रूप से चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया है। निर्णय जो है वो कार्यवाही को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा? बहुत सारे विकल्पों में से एक टॉप मोस्ट का चयन होगा, उसको परिभाषित करोगे कि आप हमने इसका चयन किया है और फिर जो निर्णय है ये एक चयनात्मक चॉइस है ना आपकी। डिसीजन मेकिंग इज योर चॉइस, हमेशा याद रखिएगा। कहते हैं ना योर चॉइस योर डिसीजन, योर डिसीजन योर चॉइस। निर्णय नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये एक चयनात्मक प्रक्रिया है। भय एवं झूठी आशा निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं। भाई आपको डर है और फिर आपको एक फॉल्स होप है, झूठी आशा। किसी की प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस का प्रमुख कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है एवं ऐसा ना करना कानूनन गलत है। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते संबंधित थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करें। तो ये आपका किसी की प्राथमिकी को दर्ज करना, That is the duty and moral responsibility of the police. मनोविज्ञान में स्वतः शोध प्रणाली का क्या है नियम? एक सरल और कुशल नियम है जिनका लोग अक्सर प्रयोग निर्णय लेने में भी करते हैं। ये मानसिक लघुपथ है, एक शॉर्टकट है, मेंटल शॉर्टकट, जो प्राय किसी जटिल समस्या के एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे पक्षों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये एक मेंटल शॉर्टकट है। एक निर्णय क्रम डिसीजन ऑर्डर संभावित निर्णय का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है और प्रबंधक को वैकल्पिक निर्णय पथों के मापन में मदद करता है। यह नियुक्ति, विपणन, निवेश, उपकरण, क्रय, मूल्य निर्धारण और इसी प्रकार के उन सब डिसीजंस, उन सब निर्णयों का भी विश्लेषण करता है, एनालिसिस करने में उपयोगी है, जिनमें छोटे छोटे निर्णयों की श्रेणी होती है। एक मैनेजर है कोई या प्रबंधक है, उसको प्रभावी निर्णय लेने लिए एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा। वातावरण बनाने की प्रमुख कौशल पूर्ण योजना में पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना है, शामिल नहीं है जबकि शेष अन्य विकल्प शामिल हैं। मतलब आप केवल, आप किसी जगह के मैनेजर हैं तो उसको कोई भी प्रभावी निर्णय लेने के लिए वातावरण बनाने की जो प्रमुख कौशल पूर्ण योजना है उसमें पूर्ण रूप से केवल अपने ही ऊपर निर्भर रहना शामिल नहीं है। आप केवल अपने ऊपर नहीं निर्भर रह सकते हैं। तर्कणा के चार सोपान होते हैं, तैयारी, प्रिपरेशन, प्राकल्पना, हाइपोथेसिस, निगमन, डिडक्शन, सत्यापन, वेरिफिकेशन। पहले तैयारी करोगे, फिर उसके हिसाब से हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे और फिर डिडक्ट करोगे, उस तक पहुंचोगे जो हाइपोथेसिस क्रिएट करा है उस तक पहुंचोगे और फिर ये वेरीफाई करोगे कि भाई ये है भी या नहीं। इस हिसाब से, इस आधार पे आप इस सिद्धांत का निर्माण करोगे। जब कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहली खरीदी हुई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह वस्तुतः योजनाबद्ध निर्णय, प्रोग्राम्ड डिसीजन का सहारा लेता है। होता है ऐसा? नहीं होता। आपको चीज लेके जाते हो, पहले से खरीद के लेके आए, फिर उसको वापस करने गए तो आप पहले से सोच के जाते हो कि मैं क्या क्या बोलूंगा वहां पर जाके। इस तरह की समस्या पूर्व परिचित और सरलता से परिभाषित होती है तथा इनके संबंध में लिए जाने वाले निर्णय पूर्व मानक पर आधारित होते होंगे ही। भाई आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, एक्चुअली आपको लगा कि अच्छा ये कमी है छोटी सी, फिर उसके आधार पे आप और भी तीन चार चीजों उसमें निकाल देते हो। प्रदत्त सूचना के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना अंतरदर्शीय निर्णय, इंट्यूटिव डिसीजन को संदर्भित करते हैं। मतलब आपका इंटरनल वॉइस आपकी क्या कह रही है। इसमें तार्किक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण और औपचारिक प्रक्रिया अपनाए बिना अनुभव और स्वप्रेरणा के आधार पर शीर्ष निर्णय लिया जाता है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, आपकी गट फीलिंग क्या है, समझते हैं। तो इसमें आप अनुभव और स्वप्रेरणा का आधार बनाते हो कि आपको अंदर से क्या चीज कह रही है कि हाँ यू शुड गो फॉर इट, और आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत
मांगी गई जानकारी का उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी है, अतः संबंधित व्यक्ति को जानकारी अवश्य प्रदान करनी चाहिए। नगर निगम ने अपनी सदस्यता का उपयोग कर एक ऐसी शैक्षिक संस्थान को बढ़ावा देना जिसके खुद सदस्य हैं एक अनैतिक कार्य है, अतः सदस्यों के आग्रह को इनकार करना उचित है। मतलब आप किसी चीज के खुद सदस्य हैं और आप उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपका पर्सनल प्रॉफिट इन्वॉल्व है ना उसमें। एक पत्रकार की हैसियत से अपने मित्र की प्रचार सामग्री को अपने नाम से प्रकाशित करना तो भैया बिल्कुल अनैतिक है, मॉरली बिल्कुल गलत है, अतः आप सहमत नहीं होंगे और उसे मना कर देंगे। ये डिसीजन मेकिंग के सवाल आएंगे, वो आपसे पूछेगा अगर ऐसा है तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा है तो ऐसा करेंगे। भाई पेपर तो सबने देखा होगा प्रीवियस ईयर, और अभी थोड़ी देर में देखो बस सॉल्व करोगे आप सारे क्वेश्चंस बैठ के। भुगतान की तुलना में अधिक राशि का बल किसी ग्राहक के कहने पर देना एक प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, अतः ग्राहक से दुकानदार को यही कहना चाहिए कि उसे सही राशि का बिल दिया जाए। ठीक है जी, आजकल वो कच्चा बिल पक्का बिल बहुत चलता है, पक्का बिल लाया करो बिल्कुल। पहले मैं आपको क्वेश्चंस करा सकती थी, लेकिन फिर अब ऐसा होगा ना, आप बहुत मजबूती से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा आपका। किसी भी कंपनी या कार्यालय में किसी कार्य से संबंधित कोई शिकायत या कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई कार्यवाही नहीं हो तब आप जाइए टॉप मोस्ट प्रमुख के पास, फिर जाओ उनके पास, डायरेक्ट नहीं जाना उनके पास, पहले आप जो आपसे बिल्कुल नेक्स्ट जो है उनको बताओ अपनी प्रॉब्लम। यातायात के नियम तोड़कर स्वयं को या किसी दूसरे की जान को जोखिम में डालना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मीटिंग कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कहीं भी आपसे कानून तोड़ने की अपेक्षा नहीं की जाती। अपेक्षा सही तो जिंदगी में याद रखना आपको क्या हो रहा है, मेरे पेन से तो पहले ही बहुत परेशान है बच्चे, तो इसलिए मैंने आज हाईलाइटर यूज किया है। चलिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप सुनते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में एक फसाद उभर के आ रहा है जो तुरंत कार्रवाई ना करने पर एक बड़ा दंगा भी बन सकता है, तो इसके लिए केवल दंगे से प्रभावित होने वाले लोगों के आधार पर अपनी कार्यवाही के तरीके पर निर्णय लेंगे आप। कार्यस्थल पर उत्पीड़न की सूचना है, कार्यालय की छवि को खराब करने वाली है, पीड़ित को चाहिए कि उपयुक्त अधिकारी से शिकायत करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम कहीं आती है तो शिकायत ही उसका पहला स्टेप है। बिना चिकित्सक की सलाह से किसी भी तरह की दवाई का उपयोग करना हानिकारक हो सकता है, अतः इस स्थिति में क्रेता को चिकित्सक से फोन पर बात कर लेना चाहिए। अधीनस्थ से शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत पर गौर करने के लिए समिति का गठन करना चाहिए, और यदि शिकायत सही पाई गई तो भैया एक्शन लो, सही कार्रवाई करो। यदि आपके घर में खाना बनाने वाले व्यक्ति ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर आपको आमंत्रित किया, आपका कुक है कोई, आपकी मेड है कोई, तो आपको चाहिए कि उनकी पुत्री के लिए कोई उपहार खरीदे तथा विवाह उत्सव में भी उपस्थित हों। कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं आपको। किसी ने एक आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगी और आपको लगता है कि इस जानकारी को सार्वजनिक किया गया तो आपके कार्यालय की छवि खराब हो जाएगी, तो ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आरटीआई में मांगी गई सभी उचित जानकारी को भी आपको देना चाहिए। भाई पब्लिक मत करो ना उस चीज को। यदि सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा बटुआ प्राप्त होता है, बताइए फिर आप क्या करेंगे, और भले ही आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाना है, बाप रे देख रहे हैं आप कितना ज्यादा आपको ललचाया जा रहा है, धन की आवश्यकता है, तो इस स्थिति में बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करना सर्वाधिक उचित होगा। इस संदर्भ में प्राप्त बटुए को पुलिस को सौंप देना ही एक उपयुक्त निर्णय होगा। आजकल तो आपको उसमें से कुछ कार्ड वार्ड मिल जाएगा, उस पर फोन कर दो, उनको दे दो, ये हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे जो लिखा है वही पढ़ के जाओ, ठीक है। यदि आपके पड़ोस के मकान में आग लग गई है तो इसमें आपको क्या करना है, आग बुझाने का प्रयास करना है और अग्निशमन दल को सूचित करना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है। ये आपके डिसीजन मेकिंग की क्लास चल रही है फिलहाल। अंतर्ज्ञान का या सहज ज्ञान इंट्यूशन में तर्क या तर्कसंगत प्रक्रिया के उपयोग के बजाय वास्तविक प्रमाण के बिना भावनाओं, अनुभव या वृत्ति के द्वारा निर्णय पर स्थिरीकरण किया जाता है, अर्थात इसमें अनुभव, भावना और एवं संचित फसलों पर आधारित निर्णय लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया इंट्यूशन में तो ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने के लिए न्यायालयों द्वारा तीव्रता लाने हेतु विशेष प्रयास या उपाय करने के साथ साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी विवाद निपटारे हेतु विशेष अधिकार दिए जाने आवश्यक होते हैं। इस प्रकार न्यायालयों पर से अतिरिक्त बोझ कम होगा, जाहिर सी बात है, और उनका स्पीड बढ़ेगी काम करने की। कार्यस्थल का पर समता, इक्विलिब्रियम एट वर्क प्लेस, क्या मतलब है, जितने भी कर्मचारी हैं उनके समय और ऊर्जा का समक्ष एवं प्रभावी उपयोग करना, चूंकि यह भी एक संसाधन है, रिसोर्स है,
और संसाधन आवंटक इस कार्य को करता है। इस प्रकार प्रबंधन तंत्र में संसाधन आवंटक रिसोर्स एलोकेटर संसाधनों के समुचित आवंटन के द्वारा अल्पकालिक समायोजना एवं संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखने का कार्य करता है। विकीर्णक कर्मचारी, विकीर्णक क्या होता है, डिसमिनेटर, कर्मचारियों के व्यवहार एवं अभिवृत्तियों को प्रभावित करने के लिए सूचनाएं प्रवाहित करता है। व्यवधान सुधारक, डिस्ट्रीब्यूट डिस्टर्बेंस हैंडलर, नाम से पता चल रहा है तो क्या कर रहे हैं, ये किसी अवांछित घटना या संकट से निपटने का उत्तरदायित्व होता है। और वार्ताकार नेगोशिएटर क्या करता है, ये प्रबंधक कर्मचारी यूनियन ग्राहक इन सबके बीच में बिचौलिए का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है कि भैया बातचीत से ही रास्ता निकाल लो। सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को उसके रूप रंग के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। विद्यालयों में विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य इरादा है कि भारतीय और विदेशी भाषाओं का समान महत्व है। ठीक है, वो जो मानता है कि सब चीजें जीवन में घटनाएं पहले से निर्धारित हैं, जो भी आपके साथ होने वाला है वो भगवान ने पहले से सोचा हुआ है, वो एक फेटलिस्ट होता है, भाग्यवादी है, जो डेस्टिनी में ज्यादा बिलीव करते हैं। और भाग्यवादी कर्म पे नहीं बिलीव करते हैं, बल्कि भाग्य पे विश्वास रखते हैं, गलत है, जो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं अरे हमारा तो लक नहीं है, ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा मेहनत कीजिए। तो जो भाग्य पे ज्यादा विश्वास रखता है उसको क्या लगेगा कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके साथ वो सब पहले से निर्धारित है, पहले से निश्चित है। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट गरीबी तथा विकास के शीर्षोधोमुखी उपागम को किसी न किसी रूप में आर्थिक सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में जाना जाता है। डिसएम्पावरमेंट होगा ना इन सब चीजों से, जबकि सहभागी विकास जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, इससे आपका एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा, ये सशक्तिकरण का एक स्रोत है, इट इज अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। ठीक है, अब आएगा आपका अंतर्वैयक्तिक कौशल सह संप्रेषण कौशल, संप्रेषण, चलो हाइलाइटर चेंज कर लेते हैं अपना। कम्युनिकेशन क्या है, सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचनाओं का प्रेषण एक स्वाभाविक मानवीय तथा संगठनात्मक आवश्यकता है। है भाई, बिहेवियर को भी चाहिए, ह्यूमन को भी चाहिए, संगठन को भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, कम्युनिकेशन किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं। मिलेट ने संचार को प्रशासनिक संगठनों की रक्त धारा बताया है। पिफनर ने अनुसार संचार प्रबंध का हृदय है ऐसा कहा है, तो मतलब संचार जो है प्रबंध का हृदय है, तो ये पिफनर ने कहा है प्रबंध का हृदय है, और रक्त धारे वाली बात कही है मिलेट ने, ये पूछ लेगा आपसे पेपर में किसने कही है। जॉर्ज और टेरी ने संचार कम्युनिकेशन मतलब आपका जो संगठनात्मक कार्य हैं तथा प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के लिए चिकनाई का काम करता है, इट एक्ट्स एज एन लुब्रिकेंट फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्थूल रूप से संचार के कार्य क्या हैं, सूचना, अभिप्रेरणा, भावनात्मक अभिव्यक्ति और नियंत्रण। और एलिमेंट्स की बात करें संचार के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ऊपर से नीचे अरेंज करो, अभी देखना जब क्वेश्चन आएंगे तब आप ही लोग करोगे सॉल्व। संप्रेषक या सूचनादाता सेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सूचना भाई भेज क्या रहे हो जानकारी मैसेज, सूचना का माध्यम या विधि क्या है मीडियम क्या है, सूचना प्राप्तकर्ता रिसीवर, और प्रत्युत्तर या वांछित प्रक्रिया, मैंने आपको क्या बताया फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये पांचों के पांचों रट लो बिल्कुल। अब है आपका संचार के प्रकार माध्यम के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, पहला मौखिक संचार, ओहो सॉरी, बोलने व सुनने की विधि मौखिक वार्तालाप कई बार एक एक तरफा व कई बार द्विमार्गी डायलॉग होता है, डायलॉग तो दो के बीच में होता है हमेशा, उदाहरण रेडियो, फिल्में, टेलीविजन, टेलीफोन, वार्तालाप, सम्मेलन, साक्षात्कार। भाई फिल्मों में आप नहीं बोल रहे ना, सिर्फ एक तरफ से बातचीत आ रही है, रेडियो पे आप नहीं बोल रहे उधर से बातचीत आ रही है, मतलब अब रेडियो पे किसी का इंटरव्यू चल रहा है तो वो अलग बात है। फिर है लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन, ये लिखित होगा या मुद्रित होगा, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, होर्डिंग, साइन बोर्ड्स, बुलेटिन, आदेश, प्रपत्र, नियमावली, चार्ट, पत्र, सब किसका एग्जांपल है ये रिटन कम्युनिकेशन का। फिर है आपका प्रतीकात्मक संचार, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, इशारे या प्रतीक, भाई होठों पर उंगली रख के क्या कहते हैं, क्या हो गया, चुप करना हो गया ना, और क्या बोलते हैं गर्दन, यस नो, जीतने पर वो ऐसे
करते हैं ना वी, समझ गए ना आप, मैं इस वक्त वी का निशान बना रही हूँ यहाँ बैठ के, तो आप समझ गए ना क्या हो गया, क्या कह रही हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। फिर आपका प्रवाह का आधार, अभी आपने ऊपर क्या देखा था, संचार के प्रकार माध्यम के आधार पर, अब प्रवाह के आधार पर। अंधो संचार मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, किसी संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा निम्न या अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना आदेश देना, अपने सबॉर्डिनेट्स को आपको कोई ऑर्डर देना है, तो ये जो है आदेशात्मक होगी, जाहिर सी बात है भाई, इंस्ट्रक्टिव है ना ये, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर है, लिखित या मौखिक भी हो सकता है, ये परिपत्र हो सकता है, नियमावली, बजट स्वीकृति, कार्मिक सम्मेलन, कुछ भी हो सकता है। तो फिर है आपका अपवर्ड उद्धर्व, किसी संगठन में निम्न से उच्च स्तर की ओर सूचना का प्रभाव, नीचे से ऊपर जा रहा है ये, तो ये प्रार्थनात्मक होगा हमेशा भाई, रिक्वेस्ट होगी ये, मौखिक प्रार्थना हो सकती है, आप कोई परमिशन ले सकते हैं, कोई प्रगति रिपोर्ट देनी है आपको, कोई सुझाव प्रेषित करना है, योजना है बजट प्रस्तुत करना है, तो वो आप हमेशा प्रार्थनात्मक देंगे। समस्तरीय या पार्श्व मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे। अब यहां पर कैसे होगा, जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करेंगे, सेम कोलीग्स जब करेंगे, तो इसकी प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक होगी, लिखित मौखिक रिपोर्ट है, कुछ ग्रुप का टास्क कर रहे हो आप, संपर्क है, समिति है, हो जाएगा ये पेपर में आएगा। तो अनौपचारिक संचार तीसरा आता है आपका, अब किसी संगठन के कार्मिकों में औपचारिक कार्य या कार्यालय कार्यों में इतर पारस्परिक संबंधों पर आधारित संचार होता है, जैसे इनफॉर्मल क्या हुआ, और भाई क्या चल रहा है, समझ रहे हो, ये है आपका इनफॉर्मल, मित्र मंडली, क्लब, प्रशासनिक अनुभाग, जासूसी भी यही है, गॉसिप भी यही है। इस प्रकार के संचार का सबसे बड़ा दोष होता है र्यूमर्स, अफवाह। किसका है ये सबसे बड़ा दोष, अनौपचारिक संचार का, वो कहेगा इसका है, डाउनवर्ड संचार का, अपवर्ड संचार का, नहीं इसका है। तो अफवाह के यहाँ पे फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं, अफवाह यानी कि र्यूमर आर इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए इंटू वन अपॉन सी, मतलब आई का मतलब है महत्व, इंपॉर्टेंस, र्यूमर क्या होता है, इंपॉर्टेंस को मल्टीप्लाई करो एकाधिक अर्थ से, एम्बिग्यूटी से, मतलब कुछ गड़बड़ है दया यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं है, और इंटू वन अपॉन सी, और उसको समलोचना या तार्किक शक्ति का डिवाइड कर दो, क्रिटिकल सेंस का, तो आपका र्यूमर बन जाएगा, ठीक है। सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार व्यक्तिगत तथा सामूहिक भी हो सकती है, और संगठनात्मक स्थिति के आधार पर संचार की तीन स्थितियां हो सकती हैं, आंतरिक संचार इंटरनल, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई संचार हो रहा है, बाह्य संचार एक्सटर्नल, संगठन तथा जनसाधारण के बीच में, इसे जनसंपर्क भी कहते हैं आप, और अंतर्वैयक्तिक संचार इंट्रापर्सनल, आपका ये हो जाएगा संगठन के कार्मिकों को मध्य व्यक्तिगत, मतलब एक तो है संगठन इंटरनल और इंट्रापर्सनल में क्या अंतर आ गया, एक तो है आपका काम से काम आप कुछ कर रहे हो या कुछ, अब कुलीग्स में पर्सनल जो शेयरिंग हो रही है या पर्सनल जो बातें हो रही हैं वो आपका अंतर्वैयक्तिक संचार में आ गया, मतलब पर्सनल का मतलब एग्जैक्टली पर्सनल नहीं, लेकिन आप समझ गए ना, जो उनके मध्य व्यक्तिगत संचार हो रहा है। माध्यम दिए हुए हैं, देख चुके आप पहले भी, श्रव्य माध्यम ऑडियो, सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंटवाणी, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श है, मुलाकात है, टेलीफोन है, टेप है, रेडियो है, समिति है। विजुअल कौन सा है, देखकर या पढ़कर सूचना प्राप्त करना, परिपत्र, आदेश, पुस्तक, प्रतिवेदन, चित्र, फोटो, झंडे, स्लाइड, पोस्टर, होर्डिंग्स, मूर्ति, प्रतीक चिन्ह, शारीरिक इशारे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ये मैं सारा इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि इनमें से कुछ भी लिखा आ सकता है ऑप्शंस में। श्रव्य दृश्य माध्यम जिसको आप एवी कहते हैं, ऑडियो विजुअल, इसमें आपको सुनकर देखकर सूचना मिलती है। तो जिस माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये माध्यम कौन से प्रकार का है जरा मुझे बताएंगे, टेलीविजन, वीडियो, फिल्में, नाटक, व्यक्तिगत या सामूहिक अभिनय। अब आपका मिलिट के अनुसार संगठनों में सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस विधि की महत्वपूर्ण उपयोगिताएं बता रखी हैं। कॉन्फ्रेंस से क्या होता है, समस्याओं की आपको जानकारी मिल जाती है, उनका आपको समाधान मिल जाता है, निर्णय स्वीकृति या निष्पादन में आपको हेल्प करती हैं वो, संगठन से संबंध कार्मिकों में एकता का भाव उत्पन्न करती हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है वो इसलिए तो होती हैं, और कार्मिक वर्ग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन होता है उसमें, और प्रशासनिक कार्मिकों को सूचना का आदान प्रदान भी उसी में होता है। इनमें से कुछ भी लिखा आए तो हाँ, ये इसकी उपयोगिता है, कॉन्फ्रेंस की ये यूटिलिटी है। संचार प्रक्रिया के प्रतिमान हैं अब कुछ, तो अब जरा ये इंपॉर्टेंट वाला आ गया तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। शैनन एवं वीवर मॉडल 1949,
टेलीफोन मॉडल कहते हैं इसको। इसमें शोर को एक बड़ी बाधा माना गया है, याद रखिएगा शैनन वीवर मॉडल 1949, शोर इसमें एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। संप्रेषक, ट्रांसमीटर, संकेत प्राप्तकर्ता और गंतव्य, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संदेश संप्रेषण या प्राप्त संकेत संदेश और शोर का स्रोत। फिर है आपका सीई ऑसगुंड ऑस्कुड मॉडल 1949 का है ये भी। संचार एक सतत प्रक्रिया है, इस मॉडल में संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक क्षण संप्रेषक तो दूसरे क्षण प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं, इंटरचेंज होती है भूमिकाएं, ठीक है ना, एक्टिव है एकदम। वेलेस्ले एवं मैकलीन मॉडल, तो ये मॉडल आपका ये है, देखो एनकोडर डिकोडर है, यहाँ पे एनकोडर संदेश दे रहा है वो डिकोड कर रहा है, फिर ये एनकोडर दे रहा है संदेश, ये डिकोड कर रहा है, तो बस ये चल रहा है साइकिल टाइप। लीग मॉडल, इसमें छह तत्व हैं, संप्रेषक, एनकोडर, माध्यम, डिकोडर, प्राप्तकर्ता, प्लीज ये देख के जाने हैं सारे, लर्न करने हैं ये। विल्बर श्रेम मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में संबंधित फीडबैक को संचार का अनिवार्य तत्व माना गया है, मतलब जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है उसमें फीडबैक जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने विल्बर ने फीडबैक को सबसे इंपॉर्टेंट माना है। संप्रेषकण, संदेश, माध्यम, विवेचन, प्राप्तकर्ता और फिर प्रतिक्रिया। लॉसवेल मॉडल, हेरोल्ड डी लॉसवेल 1948, ये संचार प्रक्रिया का शाब्दिक मॉडल है। लॉसवेल के प्रश्न, कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहा जाता है, किसे कहा जाता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के मतलब अपना मॉडल समझाते हैं। संचार की कुछ बाधाएं दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो होती है लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा संबंधी, तकनीकी, टेक्निकल कोई ग्लिच आ गया है, स्थानीय शब्दावली है कोई, भाई जैसे स्थानीय शब्दावली क्या होगी, आपके में किसी चीज को कुछ कहते होंगे, हमारे में किसी चीज को कुछ कहते होंगे, होता है ना रीजनल वेरिएशन। व्याख्या एवं बोध की समस्या, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन, इसका तो मेन प्रॉब्लम है ही जिंदगी में ही आए तो। इच्छा का अभाव, मन ही नहीं है जी पढ़ने का, हम पढ़ना ही नहीं चाहते कितना भी पढ़ा लो आप, ठीक है। माध्यम एवं प्रक्रिया की समस्या, भाई मीडियम ठीक नहीं है, रिएक्शन ठीक नहीं आ रहे हैं, और आकार एवं दूरी, शेप और डिस्टेंस। अच्छे संचार के सिद्धांत क्या क्या हैं, संचार स्पष्ट होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर, प्राप्तकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, भाई जो रिसीवर है वो क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर चीज का, संपूर्ण और समुचित हो, समय अनुसार हो, भाई ये तो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, समानता तथा एक रूप हो, लोचलशीलता हो उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी हो और प्राप्तकर्ता को स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेबल हो। टेरी के अनुसार प्रभावी संचार के 8 सुझाव हैं, टेरी आठ ऐसे देख लो, संप्रेषक को संचार की संपूर्ण जानकारी हो, परस्पर विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, शब्द सरल या साधारण हो और साधारण, अनुभव के समान आधार की खोज करनी चाहिए, सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान करना एवं उसे बनाए रखना, भाई जो प्राप्त कर रहा है उसका ध्यान तो आपको खींचे रखना है ना, उदाहरणों तथा दृश्य साधनों का प्रयोग करना, विलंबकारी प्रतिक्रियाओं का बहिष्कार करना, जो चीज डिले क्रिएट करती हो उनको छोड़ देना। तो ये जो 8 हैं आपके प्रभावी संचार के सुझाव हैं, ये सजेशंस हैं ये इनके, ठीक है। अब है आपके अंतर्वैयक्तिक संबंध एवं संप्रेषणता, इंटरपर्सनल रिलेशंस और कम्युनिकेशन में जो चीजें बची हुई हैं, मानव व्यवहार के समाजशास्त्रीय आधारों का मौलिक स्रोत सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, ये अंतःक्रियाएं ही अंतर्वैयक्तिक संबंधों का सृजन करती हैं, जो आपकी एक्टिविटीज हैं अलग अलग किस्म की, इन्हीं से जन्म लेता है इंटरपर्सनल रिलेशन। अंतर्वैयक्तिक संबंध एक मनुष्य के प्रत्यक्ष उपस्थिति से दूसरे व्यक्ति के प्रभावित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। अंतर्वैयक्तिकता की शुरुआत पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का अंतिम परिणाम है, आपके मेरे रिलेशंस इतने बढ़िया हैं उसका एंड रिजल्ट है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस। आई बात समझ में? उदाहरण माता पिता एवं बालक, बच्चे, मित्रों के बीच, सहकर्मियों के बीच आदान प्रदान, कार्यालय में पारस्परिक संवाद, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप काम करते हैं या जो भी जगह है उसमें पारस्परिक संवाद। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है क्या, किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और उसे सरलता से ग्रहण भी कर सके, ठीक है। किसी भी भाषा से आपको लगेगा कि मैंने इसलिए मार्क करा है, लैंग्वेज का फैक्टर आ गया यहाँ पे। अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता होनी चाहिए, सकारात्मक अभिवृत्ति तथा संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है, इनमें सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह नकारात्मक अभिवृत्ति है, आपको डाउट नहीं करना है। झुंझलाहट या चिड़ त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत
के उत्सर्जन का कारण है। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आप इसे कैसे कहते हैं? हाउ डू यू एक्सप्रेस इट? मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? खराब श्रवण। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, अतः समूह संप्रेषण कहलाता है। अंतः समूह, इंटर ग्रुप। कक्षा में संप्रेषण क्या है? संज्ञानात्मक, मैंने आपको बताया ये तो पहले भी। एक वर्तुल संप्रेषण में संकुटक हो जाता है जब वहां स्रोत समूह होता है। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटके तो क्रोध प्रकट करता है। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी अपनी योग्यता है। इट इज योर ओन एबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा पेपर में, जरूर से पढ़ के जाओ इसको। संप्रेषण भाव भंगिमाएं दी हुई हैं और उनका अर्थ दिया हुआ है, देख लो एक बार। एक मिनट, मुझे पेन रेड लेना पड़ेगा तभी अच्छे से देखिए। शिथिल मुद्रा, रिलैक्स पोस्चर, बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति और वार्तालाप में दिलचस्पी को इंगित करता है, रिलैक्स्ड हो आप। बाहे आराम की मुद्रा, आर्म्स रिलैक्स्ड हैं आपकी। निष्कपटता या खुलापन, ये इसका संकेतक है। आंखों के मध्य अच्छा संपर्क, गुड आई कॉन्टैक्ट, अच्छे से देख रहे हो आप। दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी है आपको। सिर हिलाना, यस यस ओके वेरी गुड। तो दूसरे व्यक्ति द्वारा कही बातों में दिलचस्पी है और वो आपको समझ भी आ रहा है। आगे झुकना, अच्छा आप समझ रहे हो, मतलब मैं करके दिखा देती आपको लेकिन समझ जाओ बस। श्रोता द्वारा वक्ता को बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता को प्रदर्शित करता है। पीछे झुकना, ओहो विभ्रांति है, अत्यधिक आत्मविश्वास है ये, ठीक है। तरोताजा होने के साथ साथ सीधा खड़ा रहना, ये है आत्मविश्वास से भरपूर है आप। ये जोश इज ऑलवेज हाई। पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना, उचाट दिखने का घोतक है ये। छाती पर भां फंसाना, बचाव की मुद्रा है ये। जेब में हाथ डालकर चलना, उदासी का घोतक है। गाल पर हाथ रखना, चिंता एवं सोचने का संकेतक। नाक को थोड़ा थोड़ा छूना और रगड़ना, भाई खुजली भी हो सकती है किसी को या नहीं। अस्वीकृति शंका का घोतक है। आंख रगड़ना शंका एवं अविश्वास का घोतक है। बताते हैं ना, यू शुड नॉट रब योर आईज। त्योरी चढ़ाना तो स्काउलिंग हो गया कि भैया आप हैं चिड़े हुए बहुत ज्यादा। कुल बुलाना या व्यग्र होना, फिजिटिंग समझते हैं, ऐसे चिटपिट चिटपिट उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रहे हो, कुछ कुछ पेन है हाथ में तो उसको चिटचिट चिटचिट किए जा रहे हो, समझ रहे हो, बार बार इधर उधर टहलना, उंगलियों को थपथपाना। सामान्यतः उचाट ऊब अधीरता का या फिर उतावलेपन का संकेतक है। जमाही लेना, यॉनिंग, ये तो भैया नींद का संकेतक है। ऊब या भ्रम का घोतक है। ये हम चीजें जनरल लाइफ में नहीं पढ़ रहे हैं, तो हंसी मजाक की बात अलग होती है। ये आपके संप्रेषण में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, हमने ये देखा, ठीक है। ये तो याद रहेंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आ गए हैं, वैसे तो ये हो चुके हैं सारे, पर चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएंगे, ज्यादा लंबा वीडियो तो वैसे भी नहीं बनेगा। संप्रेषण में सर्वाधिक सहायक क्या है? श्रव्य कौशल, सक्रिय श्रव्य। अशाब्दिक संप्रेषण के लिए प्रेषक और ग्राही दोनों का ही एक ही कल्चरल बैकग्राउंड से होना जरूरी है, सांस्कृतिक परिवेश एक होना चाहिए। ग्रेपवाइन की परिघटना, अनौपचारिक संचार। प्रभावी संचार के 6 कारक, स्पष्टता, प्राप्तकर्ता की अपेक्षा अनुसार और पर्याप्त, एक समान, स्वीकार्य और निरंतर प्रभाव। संचार के 3 माध्यम, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। संप्रेषण का सार, समझना। संगठन में संचार के 3 प्रकार, आंतरिक संचार, बाह्य संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। संगठन के संचार की दिशाएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और समान स्तर पर, हॉरिजॉन्टल। सब पढ़ के आए हो, रिवाइज हो रहा है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से। संप्रेषण में किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। विकर्ण संप्रेषण, संगठन में प्रबंधक और श्रमिकों के बीच संप्रेषण, विकर्ण। संतुलित विभाजन प्रतिमान, विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन, संतुलित विभाजन प्रतिमान। समानता प्रतिमान, एक ही लिंग युगलों के बीच संप्रेषण, मतलब सेम सेक्स कम्युनिकेशन। एकाधिकार प्रतिमान, केवल एक ही व्यक्ति को बोलने का अधिकार। संप्रेषण प्रक्रम के 4 प्रेषक, कोडिंग, डिकोडिंग, मतलब कूट संकेतक, संदेश, विसेकंतन और ग्रहण। घूरना अशाब्दिक संप्रेषण का असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है, ये तो बड़ी समस्या है। टेलीफोन यांत्रिक संप्रेषण। अंतः समूह संप्रेषण संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करना है। कक्षा में संप्रेषण
संज्ञात्मक। संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का श्रेय शैशान को जाता है। संप्रेषण की प्रमुख अवधारणाएं विश्व की समस्त समस्याएं संप्रेषण से संबंधित नहीं होती हैं। संप्रेषण का एक प्रसिद्ध प्रतिमान अभियांत्रिकी प्रतिमान। अशाब्दिक संप्रेषण को विभाजित किया जाता है निकटता संप्रेषण में। और मनोवैज्ञानिक संप्रेषण प्रतिमान की विशेषता, यह एक बंद पाश प्रणाली है। ये याद करो सब। प्रशासन में आज जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग सर्व सुलभ हो गया है, इसका मूलभूत सिद्धांत आधारित है किस पे? अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक प्रतिमान पर। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख अवरोधी तत्व, व्यक्तिगत संवेदी अंगों की विकृति। मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जब उसकी भाषा में विकृति हो, कोई प्रॉब्लम हो। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? जब बाधक व्यक्तित्व के कारण। और प्राय अशाब्दिक संप्रेषण को प्रयोग किया जाता है शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए। यदि दो व्यक्ति साथ साथ हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, तो इस प्रकार जो अशाब्दिक संप्रेषण होगा वो कैसा होगा? दोनों व्यक्तियों में निकटस्थता तथा प्रेम है, क्लोजनेस है और प्यार है। संप्रेषण की निकटता के निर्धारक तत्व है सामाजिक नियम। समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व है कार्य संलग्नता। और विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सामग्री को वर्गित किया जाता है मूक संप्रेषण के अंतर्गत। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण के मुख्य प्रकार, व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण, लघु समूहों में संप्रेषण, श्रृंखलाबद्ध, वृत्ताकार संप्रेषण, बंद पाश प्रणाली, चक्राकार संप्रेषण, मुख्य वक्ता केंद्र में रहता है, जनसंचार माध्यम वर्गीकृत किए गए हैं वृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत, और पुलिस मुख्यालय में सभी थानों को संप्रेषण के लिए प्रयुक्त प्रणाली चक्राकार प्रणाली है। वाय प्रकार का संप्रेषण, राष्ट्र महत्व के प्रसारणों को राष्ट्रपति द्वारा जनता तक पहुंचाने हेतु। वृहद समूह संप्रेषण की विशेषता, समस्त संदेशों का प्रवाह एक ही दिशा में। सभा कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली शीर्षाकार संप्रेषण। सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषण के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। ये आपका यहाँ पे हमारे नोट्स वाला सेक्शन पूरा खत्म हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। एक भी सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है? और बढ़िया से ऐसे हंसते रहो, जरा मुना बनाए करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब UPPCS के जो CSAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सवाल आए हैं, हम इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड वो सारे यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर से काफ़ी रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्लस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला सवाल देखिए, निर्णयन से संबंधित समस्याएं हैं भय, उम्मीदों से भय एवं झूठी आशा, या फिर इसमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? ऊपर पढ़ के आए हो ना, सी, भय एवं झूठी आशा। मैंने आपको बताया था डर और फॉल्स होप। आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे, निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे। बताइए क्या करेंगे आप? भाई आप अपना दृष्टिकोण जो है आप उनसे कहेंगे कि भाई आप मेरी भी बात कंसिडर कर लो एक बार, यही तो करेंगे। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? स्वतः शोध चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। पढ़ के आए हो ऊपर, ये गलत ना हो जाए बिल्कुल भी, ये आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। और जो चीज देखिए ऊपर नहीं है और यहाँ पे कवर्ड है उसको आप अपना नोट बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। फोर्थ, अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए, योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना, लिखना। बताओ कैसे होएगा? इसका आंसर आपका सी है। तो आप देख लो, पहले सोचना, पहले तो सोचोगे, ठीक है, नंबर वन पे ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर योजना बनाओगे, टू वन हो गया ना। फिर लिखोगे उसको, फिर क्या करोगे, प्रकाशित करोगे, और फिर आप उसको दोहराओगे। गड़बड़ बता दिया, एक मिनट देखो, 4 1 5। हाँ, पहले सबसे पहले आप सोचोगे, फिर योजना बनाओगे, फिर लिखोगे, फिर दोहराओगे, और फिर उसको प्रकाशित करोगे। प्रकाशित करना एंड में चला जाएगा ना, तो इसको तो ऐसे ही लगा के भी देख सकते थे कि प्रकाशित करना थर्ड, जिसमें एंड में एक ही में है, बाकी सब गलत हो जाएंगे।
समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा। क्या कहलाता है? मानसिक वृत्ति, प्रयास एवं त्रुटि, कलन विधि या अंतःदृष्टि। तो इसको हम कहते हैं कलन विधि। यह अनुभव करने की अयोग्यता कि समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है, इसको क्या किस कारण होता है? ये प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण, नियमबद्ध उपगम के कारण, नियामक रचना तंत्र के कारण और सीमित क्षमता के कारण। तो ये होता है प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण। सेवेंथ, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगे तो आप भी उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे, कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे या फिर उस पर क्रोध करेंगे और उसे शांत करेंगे। भाई आप कारण जानेंगे ना पहले, हैं? एट, आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में लेके जाएंगे, वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे या घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। भाई आप सबसे पहले इन सब सिचुएशंस में ऐसा कहा जाता है कि लाइफ बचाने की कोशिश करेंगे, जहां पे लाइफ डेंजर हो, तो यहां पे आप बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। नाइन्थ, आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है, तो आप क्या करेंगे? उस मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करेंगे, छुट्टी मंजूर कर देंगे, दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहेंगे, उससे मिले, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। क्या करेंगे आप? भाई आप पहले तो सबसे पहले जानेंगे ना क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्यों चाहिए छुट्टी। निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है, इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है। बताइए, मैंने आपको बताया था नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं है, ऊपर बताया था ना आपको मैंने, तो थर्ड गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेंथ का बी। भाई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना तो है ही निर्णय और कार्यवाही को निर्धारित करना भी है। 11th, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं अनुमान क्यों ना लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी हैं। इसका मतलब इसमें क्या तर्क दोष है? आत्मश्राय का, अवैध समानीकरण का, चतुपष्टी का या उसमें से कोई भी नहीं? भाई अवैध समानीकरण कर दिया ना आपने, आपने जनरलाइज कर दिया इस स्टेटमेंट को, जनरलाइज स्टेटमेंट तो नहीं है ये। 12th, बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए, इसमें निहित तर्क दोष क्या है? अनिरीक्षण तथा अवैध समानीकरण, चतुष्पदी संग्रह या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका है अनिरीक्षण तथा अवैध समानीकरण। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूं, तो ये अर्थांतर दोष है, संग्रह है, विग्रह है या अवैध समानीकरण है? ये अर्थांतर दोष है। 14, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत ना करते, इसमें क्या निहित है तर्क दोष? चतुष्पदी, अर्थांतर, आत्मश्रय, अवैध समानीकरण। तो ये फिर से अवैध समानीकरण हो गया। 15th, विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है, इसमें क्या तर्क दोष है? अर्थांतर, चतुष्पदी, कुसादृश्य या विग्रह? तो इसमें अर्थांतर का दोष है। 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतः 6 तथा 7 एक संख्या है, इसमें क्या तर्क दोष है? संग्रह, विग्रह, चतुष्पदी या फिर इसमें से कोई नहीं? इसमें है आपका विग्रह। शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं, हैमलेट होगा ये, हेलमेट नहीं होगा, हैमलेट। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, इसमें क्या तर्क दोष है? विग्रह, संग्रह, आत्माश्रय या फिर कोई नहीं? बताइए, इसमें भी आपका विग्रह है। युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति हो है, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं, इसमें क्या तर्क दोष है? आत्मश्रय, चतुष्पदी, अवैध समानीकरण या फिर विग्रह? आत्मश्रय। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया क्या है? बताया था ऊपर मैंने कहा था साइमन, गो बैक वाला साइमन नहीं है ये। बुद्धिपूर्ण क्रिया, अभिकल्प क्रिया, चयन क्रिया, तादात्मीकरण क्रिया। ये आपका तादात्मीकरण क्रिया है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है? स्पष्टीकरण करना, अनुमान लगाना, समझना, प्रदीपन, प्रकाश डालना। बताओ, अनुमान लगाना।
सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता, संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, अनुभव भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है या फिर प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन में महत्वपूर्ण है। इसका आपका आंसर है अनुभव भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है सहज ज्ञान निर्णय। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है, लास्ट स्टेप है, समस्या की पहचान, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, निर्णय मानदंड की पहचानना और समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन करना। मूल्यांकन है ना, मैंने आपको बताया था एनालिसिस आप बिल्कुल एंड में करेंगे ना। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है, अन्य नियमों का गुच्छन, अनिश्चितता, विश्वसनीय सूचना या फिर इनमें से कोई नहीं। अनिश्चितता। इस कथन पर विचार कीजिए, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है, तो निम्नलिखित में से कौन क्रियाविधि सर्वाधिक उचित है, नीचे दिए गए उत्तर चुनिए। न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए और अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए इसमें से, बताया था आपको ऊपर, दोनों करना चाहिए। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगमन के अनुसार निम्न में से कौन अंतःदृष्टि का एक प्रकार नहीं है, चयनात्मक, कूट संकेतन, तुलना, भंडारण या फिर संयुक्ति। चयनात्मक भंडारण। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं, क्या क्या, प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध एवं संकारक, प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक, मानसिक विन्यास, लक्ष्य अवस्था, नियंत्रक एवं मानसिक निरूपण, प्रतिनिधित्व कारक या फिर नियंत्रक, प्रकारात्मक जड़ता, संकारक एवं समस्या स्थान। क्या है, प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। देखिए सारे ऑप्शन जरूर पढ़िएगा पेपर में भी बैठ के, तभी होगा सॉल्व। अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, ज्यादा वैयक्तिक होना, दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश करना, टनल दृष्टि या फिर समाधान की शीघ्र प्राप्ति। ज्यादा वैयक्तिक होना। संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है, गतिकी, पराभाषा, लघु परिधिकरण या स्पर्शीय संचार। लघु परिधिकरण। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नियंत्रण करना, प्रबंधन करना, निर्णय लेना, नियोजन करना। गलत ना हो जाए ये, निर्णय लेना। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, संरचात्मक में, संगठनात्मक में, वियोजक में या फिर नियामक में। तो नियामक नियम में, ये भी आपको ऊपर बताया है। संचार प्रक्रिया में निमांकित में से कौन सा चरण सबसे पहले आता है, संचारण, कूट अनुवाद, समझना या फिर कूट लेखन। कूट लेखन। निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है, प्रबंधनीय के कौशल, सामाजिक, संबंध परक या फिर प्रत्यायक। कौन से टाइप का कम्युनिकेशन, सामाजिक कौशल। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है, महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, समझौता पाने की क्षमता, भूलने या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता, यह विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है। समझौता पाने की अक्षमता। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता, लोक कौशल का, मृदु कौशल का, जीवन कौशल का या संगठनात्मक कौशल का। देखते ही सवाल सही होना चाहिए। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के लिए प्रकार के उदाहरण हैं, नियंत्रण, समझौता, संगठन, सूचना। नियंत्रण। समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है, एम्पैथी और सिंपैथी की बात हो रही है यहां पे। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है, तो सेकंड हो जाएगा, समान नहीं है, मैंने आपको बताया था सिंपैथी में क्या होता है और एम्पैथी में क्या होता है। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या क्या हैं, तुम और मैं, वह और वे, तुम और हम, मैं और वे, तुम और हम। अशाब्दिक संचार में निहित क्या क्या है, देह भाषा, मुख्य अभिव्यक्ति एवं लहजा, भाव भंगिमा, देह मुद्रा एवं भावात्मक अभिव्यक्ति, न्यूनतम शाब्दिक, मौन एवं मुख्य अभिव्यक्ति या फिर देह भाषा, लहजा एवं मौन। देह भाषा, मुख्य अभिव्यक्ति एवं लहजा। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है, आदान प्रदान में, संचार में, संव्यवहार में या विश्वास बनाने में।
भाई विश्वास बनाने में लगता है समय। संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण कौन सा है? संकेतन, संदेश, विसंकेतन, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्य को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, अनौपचारिक या पार्श्विक। भाई वो अधोगामी है, आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है किसी चीज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? शोर, पूर्वाग्रह, सक्रिय श्रवण, अनुपयुक्त माध्यम। सक्रिय श्रवण नहीं है, इफेक्टिव लिसनिंग तो उल्टा हेल्पफुल है ना। पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, उदाहरण है किस चीज का? अलंकारिक परिभाषा का, निषेधात्मक परिभाषा का, पर्यायवाची परिभाषा का या आकस्मिक परिभाषा का? पर्यायवाची परिभाषा का। पौधा एक वनस्पति जीवधारी है। भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धिमान में विभाजन किस चीज का उदाहरण है? मिश्रित विभाजन का, भौतिक, आध्यात्मिक या फिर तार्किक? मिश्रित विभाजन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? माध्यम, जीवन मूल्य एवं दृष्टि, संचरण और सूचना। जीवन मूल्य एवं दृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? परानुभूति, बहिर्मुखता, संवेगात्मक अस्थिरता, सत्तावादिता। परानुभूति। किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती है, यह समूह संबंधों को घटाती है, यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है या फिर यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है? ये प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। उच्च अनुरूपता समूह के लिए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं? सृजनात्मक समूह सोच, अनौपचारिकता या फिर मनोवैज्ञानिक सतर्कता? समूह सोच। ये सब तो देख के कर लोगे अगर नहीं भी पढ़ा है तो। अब तो बहुत अच्छे से तैयारी हो गई है तो गलत होंगे नहीं ऐसे सवाल। निर्णय लेने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? निष्क्रिय, आक्रात्मक, दृढ़तापारक या फिर निष्क्रिय आक्रात्मक? बताओ भाई, दृढ़ता पारक। सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेना आपको निर्णय है तो एक ही पॉजिटिव वर्ड ऐसे लगा दो। 50th, प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं, इसमें क्या दोष है? विग्रह, संग्रह, आत्मश्रय या फिर कोई नहीं? संग्रह है इसमें। लोहा एक सस्ती धातु है, यह किसका उदाहरण है? आकस्मिक परिभाषा का, अलंकारिक, पर्यायवाची, अव्याप्त। आकस्मिक परिभाषा का उदाहरण है। कुर्सियों का टांग पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन, टांग, पिछला हिस्सा, सीट, क्या है ये? तार्किक, भौतिक, मिश्रित, आध्यात्मिक? भौतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? अप्रत्यक्ष संप्रेषण, अनौपचारिक, मौन, औपचारिक? अप्रत्यक्ष संप्रेषण। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? सदस्य संतुष्टि, सक्षम निर्णय प्रक्रिया, सदस्य संतुष्टि, सूचनाओं के सक्षम अंतरण। ये आपका सदस्य संतुष्टि के लिए जो है वृत्ताकार संचार सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कूटवाचन की दहेक प्रक्रिया के रूप में, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, संचारित की गई सूचना को अग्रसारित करना और संचारित की गई सूचना का प्रत्यावाहन करना। क्या हो जाएगा इसका? जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, वही तो सुनना है। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? एक विशिष्ट आवाज या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाजों को छांटना, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना या फिर संदेशों को अर्थ प्रदान करना। आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। 56 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षति क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? पार्श्विक, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, तथस्थ? पार्श्विक संप्रेषण। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, शाब्दिक संवाद की बात हो रही है। माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था, दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा। भाई ए हो जाएगा, प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है काइनेसिक्स से, प्रॉक्सिमिक्स से,
पैरा लैंग्वेज से, अशाब्दिक व्यवहार से, ये काइनेसिक्स से है, ठीक है, काइनेसिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? साक्षात्कार, मनोरंजक, उपन्यास पढ़ना, संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया। संप्रेषण का रूप नहीं है पूछ रहा है। तो मनोरंजक, उपन्यास पढ़ना नहीं है ना, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। छह भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं, संस्कृत एक भाषा है, अतः संस्कृत सीखने में कठिन है। कौन सा है तर्क दोष? अव्याप्त, मध्यम पद, संग्रह, विग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। अव्याप्त मध्यम पद है। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रक्यारे प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इनमें से? ऑर्गेनाइजेशन के सम कम्युनिकेशन की बात हो रही है, सारे सही हैं। अंतर्वैयक्तिक वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? जन संप्रेषण, द्विक संप्रेषण, त्रियात्मक संप्रेषण, अनुज्ञात्मक संप्रेषण। ये तो बता पाएंगे आप बहुत आसानी से। 63 का क्या हो जाएगा आंसर? द्विक कम संप्रेषण। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रंग विद्या, एक रंग अनुसूची, बहुरंग अनुसूची, रंग विज्ञान। तो ये हो जाएगा आपका रंग विद्या। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक पुनर्रचना, द्वैतवाद, दक्षता या सहजता। भाई ये उसकी दक्षता है, कैपेबिलिटी है। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकता, प्रेरणा, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं, या आप अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि वो आपको दिशा प्रदान करें, या अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है। आप अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हैं। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है लोचलशीलता, अमूर्तता, विस्थापन या संदर्भ। संदर्भ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? चरम सशक्तिशीलता, लक्ष्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी तथा विश्वसनीयता, प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव। चरम सशक्तिशीलता। निर्णय लेने का पहला चरण, प्राथमिकताओं को स्थापित करना, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, समस्या को पहचानना और फिर परिभाषित करना, या फिर कार्यविधियों को निर्धारित करना। पहले पहचान करोगे फिर परिभाषित करोगे। वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूं, और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसमें क्या तर्क दोष है? छल प्रश्न, दुर्घटना, चक्रक, मिथ्या कारण। ये चक्रक है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता, गुप्तता, असंवादिता, छल या विषमता, असंवादिता, विपथन। सानिध्यता, उपयोगिता, अकेलापन। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? बुद्धोत्तेजक, डेल्फी तकनीक, नामिक समूह तकनीक या फिर क्रमिक समूह तकनीक। यह नामिक समूह तकनीक। वह कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं है? परिकल्पना निरूपण, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अंतःदृष्टि, साधन साध्य विश्लेषण। प्रक्रियात्मक स्थिरता। निर्णय क्षमता का सार है समस्या समाधान, विकल्पों के मध्य चयन करना, वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना या फिर अनुश्रवण। विकल्पों के मध्य चयन करना, यह है निर्णय क्षमता का सार। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है प्रोक्सिमिक्स के नाम से, के रूप में, काइनेसिक्स के रूप में, पैरालैंग्वेज के रूप में या फिर क्रोनेमिक्स के रूप में। ये तो याद करने पड़ेंगे। देखिए सब कालिक संप्रेषण का अध्ययन, क्रोनेमिक्स, इसको वन लाइनर के हिसाब से लर्न कर लेना। 76 गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीतिशास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें क्या है तर्क दोष? लोकोत्तेजक, श्रद्धामूलक, दयामूलक, अज्ञानमूलक।
लोकोत्तेजक। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिध्यात्मकता, उपलब्धता, अभियोजन। उपयोगिता का आकलन, युक्ति, सभी भारतीय धार्मिक हैं, सभी पेंटर धार्मिक हैं, सभी पेंटर भारतीय हैं। क्या है इसमें तर्कदोष? विग्रह, सत्तात्मक, अव्याप्त, मध्यम पद या चतुष्पदी। ये हो जाएगा अव्याप्त मध्यम पद। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? विश्लेषणात्मक शैली में, संप्रत्यात्मक शैली में, निर्देशात्मक शैली में, या फिर किसी में नहीं? निर्देशात्मक शैली। संप्रेषण अंतक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी इरादतन नहीं होती, सदैव इरादतन होती है, शायद ही कभी लाभदायक होती हो, कभी कभी गैर इरादतन भी होती है, कभी कभी गैर इरादतन होती है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है केंद्रीकृत नेटवर्क में, प्रतिबंधित नेटवर्क में, समस्या उन्मुख नेटवर्क में, विकेंद्रित नेटवर्क में। विकेंद्रित नेटवर्क। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदाय टिप्पणी करना, संवाद सारांश और आत्मसमीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति और वैकेतिक कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन। मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, ये हो जाएगा ना। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? डेल्फी तकनीक, धर्य से अलग चिंतन, नामिक समूह तकनीक या बुद्धियोत्तेजक। बुद्धियोत्तेजक है। इस कथन पर विचार कीजिए, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता। नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते। तो क्या इसका कूट होगा? तो सिर्फ एक हो जाएगा, ठीक है। जनप्रवाद ग्रेपवाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, यह इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है। जब एक निष्करण प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह संदर्भित करता है तर्कणा संवाद को, निगमनात्मक तर्कणा को, आगमनात्मक तर्कणा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इसमें से कोई नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? निश्चित, अनिश्चित, जोखिम भरी या संदिग्ध। क्या कहलाएगी? अनिश्चित। निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? समूह निर्णय की बात हो रही है। सदस्य विचारों की वर्धित विधिता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य कार्यकुशल होते हैं, सदस्य प्रभावकारी होते हैं। तो सदस्य विचारों की वर्धित विधिता प्रस्तुत करते हैं। 89, निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में, अंतः प्रज्ञा के रूप में, सीमाबद्ध तार्किकता के रूप में, या फिर अभिनीति के रूप में। तो यह है अंतः प्रज्ञा के रूप में। हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, उदाहरणार्थ वह सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है, से प्रभावित होते हैं, ये गोचर कहलाता है, गढ़न के रूप में, प्रत्याशित पश्चाताप के रूप में, वैयक्तिक पुष्टिकरण के रूप में, हानि विरुचि के रूप में। तो ये वैकेतिक पुष्टिकरण है। XYZ कंपनी है, उसके प्रबंध निर्देशक श्री वासु ने 5 व्यक्तियों असित, वरुण, चंद्रा, डैनी और इशिता से नई परियोजना में उनकी अभिरुचि के संबंध में पूछा, तो उन्हें उत्तर मिला। असित ने कहा हम में से किसी को रुचि नहीं है, वरुण ने कहा हम में से एक को रुचि है, चंद्रा ने कहा हम में से 2 की रुचि है, और डैनी ने कहा हम में से 3 की रुचि है, इशिता ने कहा हम में से 4 की रुचि है। अपने अनुभव के आधार पर श्रीवसु जानते हैं कि जिनकी रुचि है केवल वही सत्य बोलते हैं और अन्य झूठ बोलते हैं, तो नई परियोजना में कितनों की रुचि होगी? तो इनमें से एक की रुचि होगी। आपने अपनी कॉलोनी की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सिविल कार्य विभाग के से जाके अनुरोध किया,
इन सड़कों को अभी तक मरम्मत नहीं की गई। आपके द्वारा दायर किए गए आरटीआई आवेदन पत्र में उत्तर में अधिकारी के रिकॉर्डों में दिखाया गया है कि मरम्मत कर दी गई है और इसके लिए ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया है। आपने अधिशासी अभियंता से मिलने का प्रयास किया किंतु वह किसी न किसी बहाने से आपसे मिलने से कतराता रहता है। इस बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और आपको धमकी दी कि यदि आपने आगे कोई कार्यवाही की तो उसे भयंकर परिणाम होंगे। उसने आश्वासन दिया कि यदि आप खामोश रहे तो आपके घर के आसपास और उससे जुड़ी सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी, तो आप इसमें से क्या कार्यवाही करेंगे? धमकी की परवाह ना करते हुए अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत करेंगे? चुप रहेंगे और ठेकेदार के इस प्रस्ताव को मान लेंगे कि आपके घर के आसपास सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी? आप पहल कर अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके सिविल अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, या फिर आप अपने आवास एक बेहतर कॉलोनी में स्थानांतरित करने की सोचेंगे जहां अधिक उत्तरदायी एवं बेहतर नागरिक एजेंसी की सेवाएं उपलब्ध हों? क्या करेंगे आप? तो आप भाई शिकायत करेंगे लिखित। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है। किस पे? भ्रम पे, कोलाहल पर, अवरोध पे या अतार्किक चिंतन पे? ये भ्रम पे। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तर दीजिए। ये आपके संचार के प्रकार दिए हुए हैं, उसके चर दिए हुए हैं, शाब्दिक, लिखित, संकेतिक, दैहिक, हाव भाव। मैच द फॉलोइंग। क्या हो जाएगा 94 का? सी हो जाएगा। देखिए, शाब्दिक ए का हो जाएगा आपका 1, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, और लिखित हैं आपके अंतर्निहित अर्थ, संकेत हैं आपके संज्ञानात्मक सक्षमता, और दैहिक हाव भाव है भाषा प्रवाहिता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समीचीन क्रम है? सुनना, सोचना, विश्वास करना, कार्य करना? विश्वास करना, सुनना, सोचना, कार्य करना? सोचना, विश्वास करना, सुनना, कार्य करना? या विश्वास करना, कार्य करना, सोचना, सुनना? भाई 95 का आपका हो जाएगा बी, विश्वास करना, सुनना, सोचना और फिर कार्य करना। निमांकित में से तर्कणा का अंतिम सोपान कौन सा है? प्राकल्पना, निगमन और सत्यापन, तैयारी? तैयारी है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? चीजें उधार लेना, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, शक्ति अभिप्रेरणा, पार्टी में प्रसन्न रहना? बताया था आपको ऊपर। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या है? आधे प्ररूप, समकालिक, अतुल्यकालिक, समकालिक और अतुल्यकालिक दोनों। ये समकालिक है। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? प्रजाति केंद्रता, अर्थात्मकता, अनुग्रहण, छवि प्रबंधन? अनुग्रह। भैया सेंचुरी लगाते हुए। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है अनौपचारिक संप्रेषण में, मेटा संप्रेषण में, प्रत्यक्ष संप्रेषण में, अप्रत्यक्ष संप्रेषण में? निष्कपटता का, मेटा संप्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षात्मक हो जाना, वाद विवाद में पड़ जाना, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना, आक्रामक देह भाषा बनाए रखना? हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना। सामिप्य, प्रॉक्सिमिक्स किससे संबंधित है? तटस्थ संप्रेषण से, एक दिशानुमुख संप्रेषण से, शाब्दिक संप्रेषण से, अशाब्दिक संप्रेषण से? अशाब्दिक संप्रेषण से। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है अमूर्तता, विसंदवेदीकरण, सक्रिय श्रवण, आत्मकेंद्रित सुदृढ़ीकरण? सक्रिय श्रवण, इफेक्टिव लिसनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? केंद्रीकृत संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण या अधोगामी संप्रेषण? तो यह है पार्श्विक संप्रेषण। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग,
विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। उस विकल्प का चयन करना जिसकी प्रत्याशित उपयोगिता सर्वाधिक है, गलत दिशा में विचारों के विन्यास बिंदुओं का एक प्रकार, उन आशयों को ढूंढना जो वर्तमान विश्वासों की पुष्टि करते हैं। ये हो जाएगा इसका, विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग चयन को प्रभावित करता है। ठीक है, 106 देखेंगे, किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? समूह सोच, दृढ़ता पारकता और समूह ध्रुवीकरण, संज्ञानात्मक असंवादिता, बताइए। तो ये कहलाती है आपकी समूह सोच। निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है क्या कही जाती है? संप्रत्यात्मक शैली, निर्देशात्मक, व्यवहार परक या फिर विश्लेषणात्मक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, व्यवहार परक शैली। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिधिकता, उपलब्धता, समायोजन। तो ये उपयोगिता का आकलन। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में आदि यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा दोनों आधार वाक्यों में, अमुख्य आधार वाक्यों में, मुख्य आधार वाक्य में या फिर किसी भी आधार वाक्य में नहीं? मुख्य आधार वाक्य में। प्रश्न भाव्यता गुण है आगमनात्मक युक्ति का, निगमनात्मक युक्ति का, वियोजक तर्क वाक्य का, निरुपाधिक तर्क वाक्य का, हो जाएगा आपका आगमनात्मक युक्ति का। 111, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? निर्देशात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, विश्लेषणात्मक शैली के, संप्रत्यात्मक शैली के और व्यवहार परक शैली के। तो ये संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में ये समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषीय संकेत है? मुखाकृति अभिव्यक्ति, हाव भाव, स्वर संबंधी क्षेपण या फिर अंग विन्यास, यह है स्वर संबंधी क्षेपण। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्धव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? चक्र प्रकार, वृत्ताकार प्रकार, श्रृंखला प्रकार या बाधित प्रकार? तो यह है चक्र प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? विकृति, विलंब, निस्पंदन, अनुक्रिया का अभाव, यह है आपका निस्पंदन। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? नैदानिक श्रवण, परावर्तित, परानुभूतिक, निर्णयात्मक श्रवण, निर्णयात्मक श्रवण। निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? नॉइज, प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक समस्याएं, सूचना अधिभार, द्विक आध प्रारूप, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, यह है आपका द्विक आध प्रारूप। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जाती है कूट संकेतन द्वारा, माध्यम द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा, निष्क्रिय विसंकेतन द्वारा, यह है आपका प्रतिपुष्टि द्वारा। पार विभागीय समितियां रूप हैं इष्टतम संप्रेषण का, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का, अधोगामी संप्रेषण का या पार्श्विक संप्रेषण का? ये पार्श्विक संप्रेषण का है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सभी मनुष्य मरणशील हैं, निषेधात्मक, और कोई सर्वव्यापी निषेधात्मक है, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, अंशव्यापी निषेधात्मक है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, सर्वव्यापी सकारात्मक, कुछ किसान धनी नहीं है, अंशव्यापी सकारात्मक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका डी हो जाएगा, 3142। तो ए का हो जाएगा आपका सर्वव्यापी, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये हो जाएगा आपका सर्वव्यापी, और कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, ये हो जाएगा आपका अंशव्यापी, और कुछ किसान धनी नहीं है, अंशव्यापी। ठीक है, किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में समानता की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आश्रयन स्वशोध, प्रतिनिधिकता का स्वशोध और अभियोजन स्वशोध या उपलब्धता, ये प्रतिनिधिकता का स्वशोध। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? स्वशोध, मानसिक विन्यास, सादृश्यता, एल्गोरिथम,
मानसिक विन्यास। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? विश्लेषणात्मक शैली में, व्यवहारपरक, निर्देशात्मक या फिर इसमें से कोई नहीं? सबसे लंबा समय किसमें लगता है? निर्देशात्मक शैली में। किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? तार्किक आकार में, व्याकरण के नियम में, अर्थ के या संदिग्धता के? संदिग्धता के। किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्यायवाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उसमें तर्क दोष कौन सा होगा? अनियमित मुख्य पद, सत्तात्मक तर्क दोष, अनियमित अमुख्य पद या फिर अव्याप्त मध्यम? ये होगा सत्तात्मक तर्क दोष। सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? आवृत्तिक कौशलों का, आक्रामक कौशलों का, परिशुद्धता कौशलों का, अंतवैयक्तिक कौशलों का? तो ये हो जाएगा अंतवैयक्तिक कौशलों का। सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है अभिसारी चिंतन से, समूह सोच से, सक्रिय श्रवण से, अपसारी चिंतन से? अपसारी चिंतन से। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है? 80-90%, 60-70%, 100%, 40-50%? 80-90%, सबसे अच्छा होना चाहिए ना ये। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है मानसिक स्थिरता के माध्यम से, अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से? समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने के आधारभूत प्राविधि कौन सी है? संप्रेषण, अभिलेखन, इष्टतम विश्राम, लयबद्ध मूल्यांकन? संप्रेषण। प्रतिपुष्टि, जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ये किसका प्रकार है? जन संप्रेषण का, अनौपचारिक संप्रेषण का, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का, समूह संप्रेषण का? ये भी गलत करके आओगे क्या? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का। प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है विशिष्टता एवं प्रक्रमण को संतुलित करना, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, आत्मकेंद्रता एवं अभिनतियों को संतुलित करना, अभिधारणा एवं अनुमति को संतुलित करना? क्या हो जाएगा? पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए सही विकल्प का निर्धारण, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण, जोखिम भरे विकल्प का निर्धारण या प्रबलित विकल्प का निर्धारण? तो ये है आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है अधोगामी, पार्श्विक, इष्टतम, ऊर्ध्वगामी? यह है पार्श्विक संप्रेषण। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है मानसिक चित प्रकृति में, मानसिक पृष्ठभूमि में, बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में या आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में? यह आपका आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? पूर्ण निर्णय, द्विक दृष्टिकोण, संदेश अतिभार या संदेश जटिलता? द्विक दृष्टिकोण। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, मानसिक विन्यास, अंतरण प्रभाव या पुष्टिकरण पक्षपात? तो यह हो जाएगा आपका मानसिक विन्यास। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत डैश आमतौर पर कहा जाता है सामाजिक संभाव्यता, समायोज्य संभाव्यता, आत्मनिष्ठ संभाव्यता या अप्रकार्यात्मक संभाव्यता? आत्मनिष्ठ संभाव्यता, अप्रकार्यात्मक नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, ठीक है। 138, संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेर फेर करना क्या कहलाता है? निस्पंदन, दृढ़तापारकता, विचलन, अमूर्तता? निस्पंदन कहलाता है। समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था, प्रतिबद्धता की वृद्धि का महत्व समझना या फिर तकनीकों की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी? तो इसका हो जाएगा तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था वैसी अब करो आप। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजन करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? सादृश्यता, प्रत्यय एवं त्रुटि, साधन साध्य विश्लेषण या परिकल्पना परीक्षण?
यू जाएगा साधन साध्य विश्लेषण। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्दत स्रोत क्या है? संगठनात्मक मानक, कमजोर संप्रेषण, संरचनात्मक विन्यास या सामाजिक दबाव? यह है कमजोर संप्रेषण। विवाद सदैव समाहित करता है प्रतिशोध, क्रोध, जुनून या मतभेद को, कहता है मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट। वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है, समन्वय को सहज बनाता है, क्या कहलाता है? तटस्थ, ऊर्ध्वगामी, पार्श्विक या अधोगामी? पार्श्विक संप्रेषण कहलाता है। संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता, बताइए। तो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? कलन विधि, प्रयास एवं त्रुटि, स्वतः शोध या एनाग्राम्स? एनाग्राम्स हो जाएगा जो नहीं है, ये सब तो है ही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? रेखीय प्रतिरूप, अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप, समव्यवहार प्रतिरूप या फिर इनमें से कोई नहीं? यह है समव्यवहार प्रतिरूप। दो समांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम, जो भी विजेता टीम थी, वो जीतने वाली थी। किसका उदाहरण है? समूह सोच का, अवचेतन समस्या समाधान का, त्रुटिपूर्ण मत्तैक्य प्रभाव का या स्पष्ट दृष्टि अभिनीति का? ये स्पष्ट दृष्टि अभिनीति है। पारस्परिक लेनदेन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है, व्याख्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, सहसाम्यक या सहकालिक अंतःक्रियात्मक? तो ये सहकालिक अंतःक्रियात्मक है। समय पर निद्रा एक प्रकार का अमूर्तता है, समस्या पर निद्रा, सॉरी, संवेगात्मक अस्थिरता का, उद्भवन का या निष्क्रियता का? उद्भवन का है। संचार प्रभावी होगा यदि वह धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए, उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से में प्राप्त किया जाए, तत्काल प्राप्त किया जाए। तो कब होगा वो प्रभावी सबसे ज्यादा? तत्काल, डायरेक्ट होना चाहिए ना एकदम। निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? मात्रात्मक उपागम, वैज्ञानिक, रचनात्मक, नियमित? ये है आपका नियमित। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है, प्रतिपुष्टि, प्राप्तकर्ता, तीव्र ध्वनि या शोर? शोर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक, संचार अपरिवर्तनीय है, दो, संचार स्थिर है, बताइए क्या है? दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? तदनुभूति, शिष्टाचार, प्रशासनिक शक्ति, सकारात्मक सोच? प्रशासनिक शक्ति नहीं होगा, बाकी तो सब पॉजिटिव चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार नहीं है? भाषा, रंग, संस्कृति, शोर? ये तो बस अब फटाफट बता ही दोगे या नहीं? रंग नहीं। किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है या जाते हैं? कथन, धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, निष्कर्ष, लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं, बताइए। केवल दो, केवल एक दो, ना तो एक दो ना, और केवल एक। इनमें से कोई नहीं अनुसरित होगा। निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है अमूर्तता से, बुद्धि से, प्रत्यक्षीकरण से या मानसिक विन्यास से? ये होती है प्रत्यक्षीकरण से। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? क्या हुआ, यह किसने किया, शीर्षक या ये कब हुआ, बताइए। अरेंज कर देंगे इसको तो आप, सी हो जाएगा इसका 3142। पहले शीर्षक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्या हुआ, फिर क्या लिखेंगे, कब हुआ, और फिर क्या लिखेंगे, किसने किया। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे? मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में कचरे के डब्बे में आग लगी है,
चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे अब ऊपर हवा के मध्य था, टूट गया है। नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया है और टिकट खिड़की के पास पड़ा था। और दो निःशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है। बताइए भाई, जो आग लगी है ना, आग के पास आप सबसे पहले जाके उसको टेक केयर करेंगे। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। दोनों ही प्रासंगिक हैं। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, मनोदशा की, समस्या की, संप्रेषण की, समाधान की। ये है आपका समस्या की। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है विकल्प का चयन, विकल्प की पहचान, विकल्प का मूल्यांकन, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। तो आप जानते हैं सर्वोत्तम विकल्प चुनना है आपको। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता है विकल्प संचार, लिखित संचार, शाब्दिक संचार, आमने सामने संचार। तो यह है आपका लिखित संचार। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है एक रिंग पूर्वाग्रह, पुष्टि पूर्वाग्रह, उपलब्धता पूर्वाग्रह, अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह। तो एंकरिंग पूर्वाग्रह। क्या आपको काम करना पसंद है? ये प्रश्न किसका उदाहरण है? बंद प्रश्न का, सकारात्मक प्रश्न का, नकारात्मक प्रश्न का या खुला प्रश्न का? ये बंद प्रश्न का उदाहरण है। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण, 4 चरण। देखा था अभी आपने ऊपर 5 चरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कालानुक्रमिक। सामाजिक होगा, ये तो पीसीएस के सवालों को दर्शाता है। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 168। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? तैयारी, प्रदीपन, प्रस्ताव की पहचान, सत्यापन। तो ये हो जाएगा प्रस्ताव की पहचान। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता और अधिक आशावान होना कहलाता है अतिविश्वास, आत्मविश्वास, विश्वास या इनमें से कुछ। अतिविश्वास। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? 55% जो है अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? अशाब्दिक, लिखित, मौखिक, बोले जाने वाली। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका अशाब्दिक। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? अंतर्वैयक्तिक, सार्वजनिक, अंतर्वैयक्तिक और इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका सार्वजनिक, पब्लिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय, अनियोग्य, अन्योन्य क्रिया, सभी सदस्यों के बीच सहमति, मतैक्य, एक मस्तिष्क दो से बेहतर है, निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी। एक मस्तिष्क दो से बेहतर है। किस संचार में एक भावनात्मक अपील है? अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, अंतःवैयक्तिक संचार या जन संचार? यही होगा अंतर्वैयक्तिक संचार। निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? विन्यास, चर, पूर्व अनुभव और अभ्यास, समाधान के पदों की सामान्यता, अभिप्रेरणा कारक। ये है समाधान के पदों की सामान्यता। 176। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? समस्या की जटिलता, समस्या स्थिति का संगठन, समस्या की समानता और समस्या का आकार। बताओ, इसका हो जाएगा समाधान की जटिलता। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है? दृढ़ता, अनुनयन और प्रहर्तन, अक्रामकता। तो हो जाएगा दृढ़ता। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कभी नहीं, कदाचित, सामान्यतः या कभी कभी, सर्वदा, जो सेंस बने ऐसे। तो 178 का आपका सी है। देखिए, पहले तो सर्वदा, हमेशा, और फिर आपका सामान्यता, चलो कभी,
और फिर है कदाचित, फिर है कभी कभी, और फिर है कभी नहीं। ठीक है, 179 कथन, क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तर्क, पहला है हाँ, ये वे स्थान हैं जहां ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं, नहीं अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो तर्क सेकंड स्ट्रॉन्ग है, 180, जब कोई निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में व्यक्ति किया जाता है तो यह संदर्भित करता है तर्कना संवाद को, निगमनात्मक तर्कना को, आगमनात्मक तर्कना को, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आगमनात्मक तर्कना को। आप एक जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी हैं, आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में आपके पास आती है, राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत स्थानीयता थाने में दर्ज नहीं हुई है, एसपी के रूप में आप संबंध थाने के से इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं, स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाने को कहेंगे क्योंकि शिकायत दर्ज कराना कठिन होगा, उसको शारीरिक चोट की चिकित्सा रिपोर्ट लाने को कहेंगे, ससुराल पक्ष को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि महिला को चोट ना पहुंचाए, थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करें, क्या होगा आपका? तो ये होगा। इस कथन के अधिकांश छात्र, इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं, उक्त कथन से निर्गत होने वाले विकल्प को निमांकित में से चुनिए। कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो बुद्धिमान ना हो, कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान हैं, सभी छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। तो इसका मतलब है सभी छात्र बुद्धिमान हैं। दिए गए पांच कथनों में से तीन में से जो युक्ति निकलती है उसका तार्किक क्रम निर्दिष्ट कीजिए। यातायात संकुलता पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाती है, यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, कुछ यातायात संकुलता कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि नहीं करती, कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। तो सी हो जाएगा, डी, फिर ए और फिर बी, डी ए बी। यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह डैश है और अपने मूल देश में से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से लुप्त शब्द को प्राप्त कीजिए, तटस्थ, सुव्यवस्थित, स्वायत्त, अप्रामाणिक। तो ये हो जाएगा स्वायत्त। दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है और दूसरा मंचीय कलाकार भी है, दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा है, इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है, दोनों क्या निर्णय करेंगे? अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को। कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए, अध्ययनशील मित्र मान सकता है, दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। भैया दोनों तैयारी से अब दूर रहना है और परीक्षा की तैयारी में लगे रहना है। वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बंधक है? प्रक्रियात्मक बद्धता, प्रयत्न एवं भूल, ध्यान भंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रक्रियात्मक बद्धता। नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, अशाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों संप्रेषण का और भाषा का। ये तो आपने देखा था ऊपर, अशाब्दिक संप्रेषण का। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? अंतवैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण द्वारा, सविराम दंड द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा। सविराम दंड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहिता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? अस्पष्टता, शब्दजात, समय, पूर्वग्रह। पूर्वग्रह। निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, घूरना, दृष्टि संपर्क, मुस्कुराना। ये तो बता देंगे आप, घूरना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, कारण सक्रिय ज्ञवन उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा हो कुछ संप्रेषित करता है। तो इसके अनुसार उत्तर दीजिए क्या होगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। संबंधों की संरचना संबंधित है नियंत्रण से, संगठन से, नियोजन से, अभिप्रेरणा से। संगठन से। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, एकाग्रता, विश्रांति। तो आप जानते हैं एकाग्रता, देखा था ये तो हमने सब।
किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारियों एवं स्तरों से परे जाता है वह जाना जाता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, समस्तरी संप्रेषण, विकर्णी संप्रेषण, अधोगामी संप्रेषण। तो हो जाएगा विकर्णी संप्रेषण। अंतः वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। वो ये है कि भाई आपका संप्रेषण सही ढंग से होना चाहिए, भाषा कोई भी। अंतर वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? सकारात्मक अभिवृत्ति, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, सुनने की तत्परता, संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। इजी क्वेश्चन। सहयोगों के अभिप्राय पर संदेह। कथन, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का ये एकमात्र उपाय है। सेकंड, नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। तो तर्क जो है दोनों ही प्रबल हैं। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है कूट संकेतन, संदेश, विसंकेतन, ग्रहण। बता देंगे आप, कूट संकेतन है इसका। निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? उबना, अधीरता, अविश्वास या झुंझलाहट? झुंझलाहट। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मीलापन, सांवेदिक परिपक्वता, आग्रहिता या फिर तदनुभूति? शर्मीलापन, शायनेस। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। प्रभावी बातचीत, वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, संदेश ग्रहण में बाधा, संदेश के प्रति मौखिक एवं अवाचिक प्रक्रियाएं। प्रभावी बातचीत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कारण, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो सही है बातें, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? चाक्षुक संपर्क, चिल्लाना, बुदबुदाना, शब्द जाल। ये आपका चिल्लाना। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, संकेतों को तांत्रिकीय आवेगों में परिवर्तन करना, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना, मनोबल निर्माण करना। ये है आपका संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना। दो सौ पांच, प्रेल्स प्रभाव स्पष्ट करता है समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिकता को, कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिकता की मांग को, न्यून ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता को, या उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता को। यह हो जाएगा उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। कारण, संप्रेषण के अंतः क्रियाओं की संरचना और समन्वयन आवश्यक है। इसका सी हो जाएगा। ए सही है कि द्वार गलत है। सूची एक के पदों को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ये एक और दो है, नकारात्मक निजी व्यवहार और उसका कारण, गले के पीछे एक हाथ रखना, आंखें सिकोड़ना, नाक सहलाना, चश्मा उतार कर, तो बताना है। तो इसका आंसर तो देखिए बी है। अब देख लीजिए आप, गले के पीछे एक हाथ रखना, नहीं सुन रहे हैं, आंख सिकोड़ना अतिशयोक्ति, नाक सहलाना स्वीकृति, और चश्मा उतार कर असहमति नीचे रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं। शोभा बहुत गोरी है। निष्कर्ष क्या हुआ इसका? शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है, शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। भाई इसमें से कोई भी निर्गत होता है, ना तो एक ना दो। 209, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है सामाजिक संवर्गीकरण सिद्धांत के रूप में, सामाजिक निर्णय सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी देखा था ऊपर हमने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। पूर्वानुमान क्या है इसका? कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो आपका एक और दो अंतर्निहित है, फर्स्ट और सेकेंड।
211 अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वो कौन से हैं? ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छुपाना, ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना, एक समय में एक साथ कई संदेश सुनना तथा सकारात्मक समालोचना प्रदान करना। तो ये आपका ध्यान देना और जब आवश्यक हो तभी अपनी अरुचि को छुपाना। 212 एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जाता है वह है परिस्थिति का वर्णन करना, चिंता व्यक्त करना, वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों से व्यक्त करना और प्राय वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना। यह है परिस्थिति का वर्णन करना। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करके ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है? विशेषज्ञ तर्क को अपील, ख्याति तर्क को अपील, पुतला का तर्क और जोरदार तर्क की अपील। तो ये पुतला क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है निर्णय खांचे के रूप में, निर्णय आधार दर के रूप में, निर्णय धुरी के रूप में, निर्णय नियम के रूप में। आपका निर्णय धुरी के रूप में। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग अनियोजित ढंग से करते हैं, अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है और अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। अव्यवस्थित ढंग से करते हैं। निर्णय लेने में किसी न्यायदर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में कहलाता है प्रतिनिधित्व स्वतः शोध, उपलब्धता स्वतः शोध, आश्रयण स्वतः शोध, समायोजन स्वतः शोध। इसका है समायोजन स्वतः शोध। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। समस्या को परिभाषित करना, प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, संभावित विकल्प का विकास करना, एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा डी 2431। टू फोर फिर थ्री फिर वन। 218 एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? डेल्फी तकनीक, धैर्य से अलग चिंतन, नामिक समूह तकनीक या मस्तिष्कीय झंझायन। जाएगा धैर्य से अलग चिंतन। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, क्या कहलाती है? डेल्फी तकनीक, निर्णय क्रम, मस्तिष्कीय झंझायन और भुगतान विश्लेषण। एक निर्णय क्रम। 220 निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, कौन नहीं है? दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, नई बातों को करने के लिए तैयार रहना, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना, गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना। ये हो जाएगा आपको दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जंगल में जानवरों को मारने के लिए बाघ को नुकीले पंजे की आवश्यकता होती है। निश्चित सत्य है, शायद सत्य, शायद गलत या निश्चित गलत। शायद सत्य। संदेश होता है एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, एक अस्पष्ट संकेत, एक गड्डू मड्डू उद्दीपक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है एक गड्डू मड्डू उद्दीपक। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र समझने में अवरोध को बढ़ाता है, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, विचारने योग्य नहीं है, विचारने योग्य है। ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। प्रभावी श्रवण समावेश करता है पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को, असहमति के बिंदुओं को छानने का, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। यह अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनिए। पुनर्निवेश, संदेश, कोलाहल। तो ये सी हो जाएगा आपका 231। 231 ऐसे अरेंज्ड।
निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने में समुचित तरीके को स्पष्ट करता है? संप्रेषण परिप्रेक्ष्य, संप्रेषण मॉडल, संप्रेषण नियम, संप्रेषण प्रतिरूप। यह आपका संप्रेषण प्रतिरूप। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है कूट संकेतन, संदेश, विसंकेतन, ग्रहण। ये तो काफी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कूट संकेतन। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए, पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं, व्यवहार का अर्थ। व्यवहार का अर्थ। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःवैतिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है? शर्मीलापन, सांवेगिक परिपक्वता, दृढ़ता, पारकता, तदनुभूति। ये तो कर चुके हो, आपको दिक्कत तो आएगी नहीं इसमें। सांवेगिक परिपक्वता। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी, अनुप्रस्थ, विकर्ण, अधोगामी। ये डेफिनेशन थोड़ी याद करके जाना, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों का प्राधिकार भी होता है? संतुलित विभाजन प्रतिमान, समानता प्रतिमान, असंतुलित विभाजन प्रतिमान या एकाधिकार प्रतिमान। जाएगा आपका असंतुलित विभाजन प्रतिमान। निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किस में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? चक्रजाल, वाई जाल, श्रृंखला जाल या वृत्त जाल। यह आपका वाई जाल, वाई संजाल। जब व्यक्ति अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वह एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सतर्कता, प्रतिघात या दृढ़ता। ये है मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। ये याद कीजिए, जरूर आएगा यहाँ से सवाल। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है निकटता, सहभागिता, खुलापन, अनौपचारिकता। ये है खुलापन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। ए, कारण सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो ये सही है दोनों, लेकिन और व्याख्या भी सही है। तो और अब ये हमारा लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा पैरा लैंग्वेज सम्मिलित नहीं है? आवाज गुणवत्ता, मौखिक अंतःक्रिया, वाक गति, स्वरमान। तो देखिए ये है मौखिक अंतःक्रिया। और यहाँ हमारा ये हो जाता है खत्म सेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत फायदा होगा इस सेशन से। छोटा सा सेशन बनाया ये एक, और रिवाइज कर लीजिए फटाफट, देख लीजिए अच्छे से, अपना पेपर देके आइए। सीसैट की वजह से पेपर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे लीजिए रोज का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू वेरी मच और हैव अ नाइस टाइम।